Hey, कहाँ गया था? चल जा। ये कहाँ से आ रहा है? इधर आ। कहाँ गया था तू? पता कहाँ गया था? अमरूद लेने गया था। यहाँ चारों तरफ 12 किलोमीटर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच तुझे अमरूद कहाँ से मिला बे? सच सच बोल, कहाँ गया था? नहीं बताऊंगा। पता? नहीं बताऊंगा। इतना छोटा रकड़ दिखाता है। Hey, कडप्पा राजा का डर निकल गया है क्या? वो कोड्डा रेड्डी कैमरा लगाकर जगमोहन के बेटे को इसी खार में तलाश कर रहा है। मेरी इज्जत खराब हो रही है। ये लड़का इतनी देर से आया, जब पूछा तो उसने झूठ बोला कि अमरूद लेने गया था। Hey, मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जब तक ये नहीं बताएगा कि ये कहाँ गया था, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। अगर किसी ने इसकी मदद की तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही हाल होगा। Hey, ये कोई आम निशान नहीं है, ये कडप्पा राजा की सरहद है। अगर किसी ने भी इसमें दाखिल होने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। छुप के बैठा है बेटा? भूख बर्दाश्त नहीं होती ना तुझसे? कहाँ है तू? अरे आजा, मैं तुझे बुला रही हूँ, आजा। अरे खाना तैयार है, खा ले। मुन्ना, कहाँ छुप कर बैठा है तू? कब से बुला रही हूँ मुन्ना? कहीं बाहर गया था? कड़प्पा राजा के पूछने पर इसने कुछ नहीं बताया तो उसने गुस्से में सलिया फेंक कर इसे मार दिया। हे, 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 नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है? रुक जा, मेरी बात मान ले। कड़प्पा राजा ने कितनी बार पूछा कहाँ गया था, इस बारे में बता देना चाहिए था ना। ये तो उस बेचारी की किस्मत है। ए सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, सुन ले, ये राजा की खींची लकीर है। चल जा यहां से, चल चल। ए, कब से कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या? मौत से आप लोगों को डर लगता होगा, मुझे नहीं लगता। मोहन काका को कैद करके रखा, मैंने देखा, मैंने नहीं बताया तो मुझे मारा। छोटू को फौरन अस्पताल लेकर जाओ। अस्पताल लेकर जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ। चल।
क्या हुआ बे गेंडे? मैं कैलाश नहीं जो तुझसे मार खा लूंगा। मैं हूं जगमोहन का बेटा विराज। जैसा मालिक ने कहा था वैसा ही हुआ। किसी का बेटा हो तो बिल्कुल ऐसा हो। कडप्पा राजा को मारकर तूने अपने वालिद की बात को सच साबित कर दिया है, लेकिन कोंडा रेड्डी से अपने वालिद को कैसे बचाएगा तू? मुझे पता है मेरे वालिद कहाँ हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगा। आप यहाँ के लोगों को लेकर निकल जाइए। Oh,
बचकर फरार हो गए मालिक। क्या रे जगमोहन, तो ही इनका सरदार है ना, तो इंसान नहीं है क्या? देख इनकी क्या हालत हो गई है। यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक करंट लगने वाला बिजली का तार लगाया है मैंने। चारों तरफ मेरे गुलाम मिलिट्री वालों की तरह बंदूक लेकर पहरा देते हैं। पता है क्यों? ताकि तुम लोग यहाँ से बचकर भाग ना सको। और ये लोग आधे रास्ते बस से निकल गए, बच जाएंगे क्या? इसीलिए जानवर पालते हैं। कोडवा राजा वो सबको यहाँ लेकर आ रहा है। हाय, चले जाओ यहाँ से। भैया, अरे छे, आखिर कितनी गोलियां चलाऊंगा मैं? ये सब अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? एक गलती की सजा, एक पैर तोड़ दो, दोबारा गलती करे तो हाथ काट दो, बचकर भागने की कोशिश करे तो उसका सर काट दो। मुझसे कैसे बचेगा? हाँ, पुलिस के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, हाँ तो किसी के भी पास जाकर शिकायत करेगा तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ कोंडार रेड्डी। मैं सिर्फ यहाँ का एमएलए नहीं हूँ, इस इलाके का बादशाह हूँ। कोंडार रेड्डी, अरे चुप रे हरामखोर, ऊपर वाला भी चाहेगा तो भी तुम सबको मुझसे नहीं बचा पाएगा। खत्म कर दो इन सबको। कोंडा रेड्डी, ऊपर वाला आएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा जरूर आएगा। जिस रोज उसे पता चला कि हम यहाँ कैद हैं, वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर जमीन के इस पत्थर में दम है तो मेरी जुबान खाली नहीं जाएगी। याद रखना, मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा। तेरा बेटा तो क्या, अगर ऊपर वाला नीचे आया तो वो फिर से ऊपर चला जाएगा। ए, चलो 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 सब लोग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। अरे वाह हरिया, रेडी भाईजान, तो देख क्या रहे हो, नजर डालो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय। ये क्या है? कुमकुम है भाईजान। सच सच बोल, ये मेरा खून है ना? हाँ भाईजान। तुमने तरबूज के अंदर क्या डाला था? मैंने सोचा सिक्के रखेंगे तो बिखर जाएंगे, इसलिए मैंने गुल्लक रख दिया। अरे बेवकूफ, मैं एक हीरो की तरह अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता था और तुमने मेरे दिमाग की दही कर दी। अरे क्या बात है? कुछ नहीं सर। क्या बात है? कार का कवर नहीं उतारा, नंबर बताइए। 9 8 2 4 7 7 7 6 7 3। कार का नंबर पूछ रहे हैं, मोबाइल का नहीं। तुम रेसर हो क्या? रेसर मेरा दोस्त है, वो घर से निकल तो चुका। तुम गाड़ी चलाओगे क्या? अगर 15 मिनट के अंदर रेसर नहीं आया तो गेम से आउट हो जाएगा, जल्दी करो। भाईजान वो आ तो जाएगा ना। अरे तू उसे नहीं जानता, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा, और आकर कॉम्पिटिशन में शामिल भी होगा। अच्छा? देखना वो जबरदस्त धमाका भी करेगा।
है, तुम तो कहते थे पाइप खींचने में एक हफ्ते का समय लगता है, विराज ने कैसे एक मिनट में ठीक कर दिया। इसने तो कर दिया भाईजान, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता, मैदान में उतरकर देखना पड़ता है, और अगर सच्चे दिल से उतरो ना तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। चल चल पतली गली पकड़ो और हवा आने दे, चल निकल ले, चल सोचा था निकल रुपए मिलेंगे लेकिन ये पता नहीं कहां से आ गया। जा रहे हैं भाई। ये कौन है? इसलिए मर्तबा कार रेस इसी ने जीती थी भाईजान। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इसकी कमर तो देख, इसकी स्टाइल तो देख, नागिन की तरह लहराती चल रही है। धमाका है यार धमाका। क्या बात है, कार को अब तक झटके रखा है, कार को ठंड लग रही है क्या? ए, मेरी दिलरुबा को मत छूना। छू दिया तो मैं तुम्हारी दिलरुबा को छूंगा। पता चला ना, चल निकल, तुम भी जा सकती हो, वैसे अंगाल लगती हो तुम। 5 मिनट के बाद रेस शुरू हो जाएगी। राइस ज्यादा कहने से पाइल्स होता है। अरे समझा नहीं, 5 मिनट में खुद को और अपनी गाड़ी को तैयार कर लो, वरना रेस से बाहर हो जाओगे। अरे हम लोग तो बुरे फंस गए यार, जल्दी से मेरा मोबाइल फोन दे, अभी फोन लगाते हैं विराज को। हेलो विराज, 5 मिनट पहले शुरू होने वाली है। अरे पानी की छोटी सी प्रॉब्लम थी यार, सॉल्व हो गई है, अभी निकलता हूँ। जल्दी से आजा मेरे भाई, वरना ये लोग मेरा बाजा बजा देंगे। भैया ये लीजिए शीरा। लाओ दो 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 दो। अरे माँ मैंने तो सिर्फ पाइप ठीक किया था, इतनी सी बात पर तुमने शीरा बना दिया। नहीं विराज, आज तुम्हारे अब्बा की सालगिरह है। ओहो, जगमोहन जी की सालगिरह है, तब तो हक बनता है। सबसे कर्ज लेकर जनाब गायब जो हो गए हैं। नहीं विराज बेटा, ऐसा नहीं कहते, जब वो यहाँ थे उन्होंने हर किसी की मदद की थी। हाँ वो तो नेकी का पिटारा थे, एक नहीं दो नहीं तीन बीवियाँ, और हर साल एक एक औलाद पैदा करके उन्होंने ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, उन्होंने हमेशा हमें रानियों की तरह रखा। आप लोग अब भी रानियाँ हैं, बस मैं ही गुलाम बनकर रह गया हूँ। ठीक है मेरी रेस का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। विराज बेटा जाकर अपने बाप से दुआ तो ले लो। अब्बू मेरे लिए दुआ करो मैं कामयाब हो जाऊँ, एक बार बड़ा आदमी बन गया ना तो आपका कर्जा भी अदा कर दूंगा। भाईजान, भाईजान, आपाजान, भाईजान, अरे आपाजान, भाईजान, अरे मेरी आपाजान, बस करो। आप क्या मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हारे जीजा जी सिंगापुर गए। बेटा सब ठीक है ना बेटा? मतलब एक महीने के लिए तुम यहाँ पर कब्जा जमाओगी। तुम्हारा शौहर सिंगापुर मलेशिया में क्या टूथपेस्ट बेचता है? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? अरे बिजनेस के सिलसिले में गए। क्या बात है, अपने शौहर पर इतना यकीन है? खैर अंदर जाएं। ए मुन्ना, इन्हें मेरा किराया भी दे देना। वो तो पता ही है। जीत कर शुक्रिया। ठंडी ठंडी हवा में दिल लहराए, हवा आने दे, तुमने पहना तो फैशन, मैंने पहना तो टेंशन। से और दोस्त ले पका ला दे यार, जिंग जिंग जिंग। कमाल है यार, गाड़ी देखकर ही लोग चौंक कर भाग क्यों जा रहे हैं? अरे वो गाड़ी देखकर नहीं, उसमें से चूहे को कूदते हुए देखकर भाग रहे हैं। वो तो गणेश जी की सवारी है, यहाँ भी आ गए। नहीं नहीं प्लीज, ये बिना घबराए क्यों चली गई? उसकी सवारी इससे बड़ी होगी। हे लुक व्हाट अ फनी व्हीकल। क्या दोस्त, इस खटारा गाड़ी पर इतना गुरूर करने वाली क्या बात है? दोस्त पिछली दौड़ इसी ने जीती थी, मुंबई की आइटम के सामने रौब झाड़ रहा है। अगली रेस में कचरे वाली गाड़ी लेकर आना। उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अपनी गाड़ी पर नजर तो डालो। जनाब आप आदमी और गाड़ी पर मत जाइए, इसने कोई रेस नहीं छोड़ी है, ये तो रेस के आखिर में पता चलेगा कि किसकी शिकस्त होती है और किसकी फतेह होती है। ट्रैक पर तो आ, तुझे मसल कर रख दूंगा। अब सारे रेसर्स मैदान में उतर चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सॉरी भाई साहब, मेरा दोस्त विराज गाड़ी चला रहे। बहुत लंबे समय से लोगों को इस मुकाबले का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई है। बेवकूफ, दर्शकों के सामने ये 100 रुपया रखी और मेरे दोस्त के नाम पे ऐलान कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि आज इंतजार की घड़ी। विराज Yes!
साइकिल खरीदने को कहा था लेकिन तुम लोग सुनते ही कहाँ हो। अरे रे 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 रे। अपना विराज जीतेगा ना? अरे मैं बताता हूँ, पक्का विराज जीतेगा। भाईजान इनाम अभी मिलेगा ना? अगर जरूरत पड़ी तो डबल दिलाएंगे। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जाना अपने रास्ते जाना। अबे मैं आगे जा रहा हूँ, तू पीछे जाओ, जाओ। भैया डबल इनाम इसी को बोलते हैं क्या? अबे अपना मुंह बंद कर बे। ये क्या है, क्या किस्सा हो रहा है? यही तो इस गाड़ी की खासियत है, जिस चीज की जरूरत ना हो अपने आप हवा में उड़ जाती है, जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को हवा में उड़ा देते हैं।
चलो चलो जल्दी करो। अरे जल्दी करो भाई। क्या विराज, घर पेंट करवा रहा है क्या? ये सामान उठाकर बाहर क्यों रख रहे हैं भैया? ए विराज, अरे बेटा, ये लोग घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। अरे कब से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? चाचा एक मिनट, कौन हो तुम लोग? मन्ना, मैंने इन्हें सामान बाहर रखने का हुक्म दिया है। ये घर जगमोहन जी का है, इसीलिए मैंने हिफाजत से सामान बाहर रखने के लिए कहा है। हमारे घर का सामान बाहर रखने वाले तुम कौन होते हो? कल तक ये तुम्हारा घर था बच्चे, आज से ये घर हमारा है। ए, आप क्या कह रहे हैं? ये भला कौन नहीं जानता कि ये घर विराज के वालिद साहब का है? लेकिन घर के कागजात तो मेरे पास है बच्चे। ए, बता जरा, मुफ्त में नहीं लिया है मैंने, पूरे 50 लाख रुपए दिए थे, 6 महीने में पैसे लौटा कर कागजात ले जाऊंगा, ये कहा था तुम्हारे वालिद जगमोहन ने। लेकिन मैं तो 6 महीने से जेल में था, मेरे नौकर ने आकर मुझसे कहा जगमोहन ने कोई चेक दिया है, लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि अकाउंट में पैसे जो नहीं थे, इसीलिए अपना हक ले रहा हूँ। वालिद ने कर्जा लिया तो इसमें बेटा क्या करेगा? मुझे पता था ये सवाल उठेगा, इसीलिए मैंने जगमोहन से सब कुछ लिखवा कर ले लिया था। जरा दिखाना तो। मेरे वालिद ने आपसे कर्ज लिया और आपने कागजात ले लिए, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। आपने मुझसे एक मरतबा भी कहा कि कर्ज कब लौटाओगे? बिल्कुल सही कहा। अब बताओ छोटे, मेरे पैसे कब लौटाओगे? मुझे अभी कहा है ना, तो एक हफ्ते में पैसे घर पहुंच जाएंगे। जाओ। ठीक है, याद रहे। ए चल, चलो चलो। अबे 50 लाख एक हफ्ते में कहां से लाएगा? ये लेकर मलेशिया जाओ और जिसने चेक दिया है उससे पूछो अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है। देखो वैसे भी मुझे घर नहीं, पैसा चाहिए। चलता हूँ। ये सारा सामान अंदर कौन रखेगा? जहाँ से उठाया है वहीं पे रखवा दो। अरे तुमने सुना नहीं मुन्ना क्या कह रहा है? चलो जल्दी से सारा सामान अंदर रखो। मुन्ना, अगर पैसा नहीं तो घर नहीं। चलता हूँ। अभी तक ये घर किराएदारों के किराए से चलता रहा है, अब तुम्हारे नेक शौहर की वजह से ये घर भी जाने वाला है। कोचा इंडस्ट्रीज के 4 चेक पास हुए हैं, 4ों चेक की पेमेंट भी क्लियर हो गई, सिर्फ यही चेक क्यों बाउंस हुआ? शायद तुम्हारे अब्बा के फरार होने की खबर हो गई होगी उन्हें और कंपनी वालों ने स्टॉप पेमेंट कर दिया होगा। भाई कंपनी का ये चेक लेकर अगर मलेशिया जाएंगे तो पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? अरे यार, अभी तक तो मैंने मरम्मत का पूरा बिल चुकाया ही नहीं है, अब तू ही बता ऐसी हालत में इस कार को बेचेंगे कैसे? देख पहले तू मेरा आइडिया तो देख, कार भी बिक जाएगी और हम लोग बिल भी चुका देंगे और कुछ पैसे भी हाथ में होंगे। हेलो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 लाख में एक पैसा भी कम नहीं होगा। ये तो खराब हो गया भाईजान। खराब चीज को रख के क्या करेगा? फेंक इसे। जैसे ही खबर फैली कि हमारी गाड़ी रेस जीत गई है, हमसे टीवीएस वालों ने गाड़ी मांगी, बजाज वालों ने भी मांगी, जेके टायर्स वालों ने भी मांगी, लेकिन हमने किसी से सौदा नहीं किया, क्योंकि ये गाड़ी बेचकर हम शराब तो नहीं पी सकते है ना। अब मतलब अभी ऐसी गरज नहीं है ना, और नहीं तो क्या, रेस में जीती हुई गाड़ी का कोई सौदा थोड़ी ही करता है। बात ऐसे कर रहे जैसे सब्जी खरीद रहे हो। देखो 4 लाख में 1 रुपया भी कम नहीं होगा, 3 लाख भी मांग रहे हैं, बताइए। कसम खुदा की दे देना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छी कीमत है। आप कहेंगे तो इनकार नहीं करूंगा। ठीक है, गाड़ी छोड़ देता हूँ, पैसे घर भिजवा देना। मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। आपने इसे खटारा का आप कहना क्या चाहते है? हाँ भाई विराज, इस कार ने तुम्हें जिताया है, अगर हम कुछ रोज किसी को अपने साथ रख लें तो हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता है। अब उसे ही देख लो, 50 साल से उसके साथ दिल जुड़ा हुआ है। आप उस नौकरानी का 50 साल से ध्यान रख रहे हैं? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में एक बंदे के पास मेरे वालिद के पैसे हैं, वो लेने के लिए मलेशिया जाना है, वरना मेरा घर नीलाम हो जाएगा। मलेशिया जाना है इसलिए गाड़ी बेच रहे हो? परिंदा बनकर जा सकते? परिंदा? अरे परिंदा कोई गलत काम नहीं है, इस मुल्क में काफी हिंदुस्तानी हैं, उनकी जरूरत की चीजें साड़ियाँ फल सभी यहीं से जाता है, और ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक सामान और इत्र वगैरह वहाँ से आता है। तुम्हें जिससे मुलाकात करनी है उस बंदे से मिल लेना और 4 पैसे भी कमा लेना। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है, हम परिंदे की तरह ही उड़ेंगे। अरे मलिक भाई ने तो कहा था कि कोई हमें रिसीव करने आएगा। भाईजान, लगता है वही लोग हैं। शायद नहीं, वही हैं। अरे भाई लोग, इधर भाई लोग। हे, ओ भाई लोग, हमें बुला रहा है। इधर भाई लोग, लगता है वही लोग हैं। आम सेब संतरा सब मेरे पास है, अगर तुझे देखना है तो इसे खोल के देख ले। मुंह खोल रहा है अभी, पास आ रहा है। मालिक ने भेजा है ना भाई?
बेवजह इतना माहौल क्यों बना रहे थे भाई? आप लोगों की पहचान के लिए। भाई बास्को डी गामा तख्ती लेकर खड़े हो जाते तो मैं खुद ही पहचान लेता। ठीक है, खैर अब यहाँ से चलिए। सुनो भाई जी, कहिए। मस्त सेहत बनाई है तुमने जनाब। पेल पेल के बनाई है क्या? मेरा मतलब है सपाट मार के अंडे खाते हो क्या? भाईजान अपना सामान पूरी तरह से सेफ है। हाँ ठीक है रघु, जरा इन्हें वो वाला बॉक्स तो दे दे, यहाँ रास्ते में भुकी पिंता आएगा। भुकी पिंता मतलब? वहाँ पर पांडु लॉज है, वहीं आप लोगों को ठहरना है, वहीं छोड़ दूंगा, शाम को पार्सल मिल जाएगा, ठीक है ना? वो सब तो सही है, लेकिन वो शाम को क्या मतलब? अरे भाई ये बड़े क्यों रहे हैं? हम लोग पहली बार मलेशिया आए हैं, तो अगर आप ये पता बता देंगे तो बड़ा एहसान होगा। जरा पता तो बोलना। राइट लेन इंडस्ट्रीज। राइट लेन इंडस्ट्रीज, नंबर 17, पहला माला। पहला माला जेलन ओशियन स्ट्रीट। हाँ ओशियन स्ट्रीट, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर नाम पता है क्या? कोचा। कोचा? कोचा से मिलने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? उनसे अपने वालिद की पेमेंट लेनी है। कोचा से पैसों का तकादा? अरे मालिक स्टॉप द कार। आपने जो पता बताया वो जगह बहुत दूर है, लेकिन उसका क्लब यही करीब में ही है। ओहो, करीब मतलब कहाँ पर? वो वहाँ पर, वहाँ पर सड़क के उस पार कोचा का क्लब है। पता तो समझ गए, लेकिन तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो जैसे निकलने वाली हो? वैसे आप कांप क्यों रहे हो? मेरे डांस क्लास का वक्त शुरू हो गया है, ये तो सिर्फ तैयारी है, वहाँ जाकर डांस शुरू करूँगा। सुनो भाई, हमारी वापसी का टिकट उन्हीं से कहिएगा, वही लोग देंगे। अरे बाप रे, टिकट मिल जाएगा। अरे बच गए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। भाई जन वाकई डांस क्लास जा रहे हैं, तो उनके साथ जाकर कोचा से मिलूंगा क्या बेवकूफ? अगर कोई उसका पता पूछे तो वो सीधे दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये लोग तो उसके पास तकादा के लिए जा रहे हैं। कोचा का मतलब भी पता है दोस्त, किंग ऑफ मलेशिया। हो गया। ए, और पियो ना, दुल्हे मियाँ पिलाओ। मेरा प्यारा मुन्ना, चल पी। भाईजान इतनी की अपना पीनो। हाँ, ताकि तुझे दर्द का पता ना चले। अरे ये डायमंड, ब्लड डायमंड। सभी का कहना है कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन आंध्रा के कडप्पा में भी मिलता है। हम दोनों भाई बहुत मेहनत से इसे वहाँ से लेकर आए। बाहर गांव में नौकरी का झांसा देकर मेरे यहाँ से डायमंड मंगवा कर स्मगलिंग करा रहे हो। इतना पीने के बाद भी ये होश में था, ये मुंह खोल सकता था। क्यों दामाजी, साथ में नहीं चलोगे? नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन चल लौटना। ठीक है। क्या यार, कोचा शरबत बेचता है क्या? अबे प्रसाद है क्या? अरे भाई साहब जरा हमें भी दीजिए। No entry please. अरे no मैं entry. कपल कहाँ से लाऊं? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ ना। You can't go. No, we please want go to from meet here. कोचा। No 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 no. मतलब कि बिना लड़की के अंदर नहीं जा सकते, तो अब लड़की कहाँ से लाए भाई? फ्री में अंदर ले जाऊंगा, चलेंगी। ओ भाई, तू तो औरतों से बात तक नहीं करता, फिर इसको इतनी जल्दी कैसे बटा लिया? ये मैंने तेरे लिए किया। अरे रे 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 रे, तूने मेरे लिए जन्नत का हूर तलाश कर लिया है भाई। मैं तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा मेरे भाई? अबे मजाक कर रहा था, मेरे लिए ही है। कपल्स देखिए ना, देखिए। ये क्या सर, आपने ये फाड़ दी? मैं तो इसको जानता भी नहीं। चल, पैसे लिए बगैर बहुत हो गया। चल निकल, निकल भाई, चलो निकलो। ए, दिमाग खराब कर दिया। सुनो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। अब बेबी संभालो खुद को। क्या हुआ, तेरे शक्ल पे बारह क्यों बजे हैं? ए, कोचा ने कुछ कहा क्या? पैसे दिए या नहीं? चेक तो दिखाया ना। अबे बोलना हुआ क्या? इन दोनों में से एक उंगली चुन। ए, ऐसे कहाँ जा रहा है विराज? ये दो उंगली का क्या मतलब है?
कर्म कर्तव्य और करतूत। और ये दूसरी उंगली तोड़ फोड़ दे दना दन। मैंने कौन सी चुनी? दूसरी वाली। अरे बाप रे, अब उन्हें कौन बचाएगा भगवान? क्या दमा जी, अभी तक वही हो? आपकी कंपनी का बाउंस चेक लेकर एक लड़का मेरे पास आया था। कौन था वो? किसी जगमोहन का बेटा था। मेरा बेटा आएगा, जिस रोज उसे पता चलेगा कि हम यहाँ कैद हैं, वो जरूर आएगा। जगमोहन का बेटा अब कहाँ है? आज वो 50 लाख मांग रहा है, कल अपने बाप के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? जहां भी हो उसे ढूंढकर मामला रफा रफा करो। हे, तो ढूंढो उसे और खत्म कर दो, जाओ। तूने क्या मुझे अपनी तरह बरसी समझा है? मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है मैं, कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। कोचा को तू बुलाएगा या मुझे बुलवाना पड़ेगा? पहले तो मैं जुबान से बात करता हूँ, फिर लात से। जैसों को सबक सिखाता हूँ, तो समझा या नहीं? चला फोन लगा। क्या हुआ, काम तमाम हो गया क्या? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे खोला खाया हो गया। मैंने तेरे लोग और क्लब दोनों का काम तमाम कर दिया है, आकर देख ले। कौन अबे? याद है तुझे, जगमोहन के पैसे चुकाने हैं, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। गाड़ी घुमा। ए कोचा, कर चुकाने का ये कौन सा तरीका है रे? मैं तो सिर्फ असल लेने आया था, लेकिन अब सूद समेत ले जाऊंगा। जल्दी गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। शेर की गुफा में आकर शेर के मुंह में हाथ डाला है उसने। तुम सब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बोलो, कहाँ है वो गुरु? जनाब, वो गुरु जैसा दिख रहा है वो देखिए। उसके बाप ने कहा था मेरा बेटा आएगा, वो बहुत नेक इंसान है, लेकिन उसका बेटा खतरनाक है। खतरनाक? मैंने कहा ना खतरनाक है, जाकर उसे खत्म करो, जाओ। सुन, किसी को भागते हुए देखा है नहीं, क्या? नहीं, बोल। नहीं, नहीं। या नहीं है बॉस? हेलो जनाब, पूरे कुआला लंपुर में तलाश कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं। अरे बेवकूफ, ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया? अगर उसे ढूंढ के मार दिया तभी अपनी शक्ल दिखाना, नहीं तो वहीं से लौट जाना। ये लोगों की बस की बात नहीं है, मैं खुद जाकर उसे खत्म करूंगा। दामाद जी, वो चाहे पाताल में भी जाकर छुप जाए, हम खोद निकालेंगे। नए साल के जश्न का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। ये लोग हमारा गेम बजाने की बात कर रहे, समझ रहे यार? मालूम है क्या? हाँ यार, हाँ यार, एक क्वार्टर या आधे का जुगाड़ होता तो मैं भी मस्ती में हिंदुस्तान में नया साल का जश्न मना रहा होता। कहाँ तेरी बातों में आकर मलेशिया चला आया, ये लोग जगह जगह हमें मारने के लिए तलाश रहे हैं। करना, ये नया साल हमारे लिए बहुत ही मुबारक होगा। ये लो, खींच कर निकालो। चॉकलेट के लिए पैसे दोगी ना? हाँ, पहले निकालो। ए, अंगूठी निकाल रहा है या नाच रहा है? निकाल ना। निकालता हूँ। आराम से। नहीं निकल रही। आराम से। नहीं निकल रही। अरे ये सब कैसे हुआ? बेबी, तुम्हारे कमरे का ये हाल किसने किया? दीदी को अंगूठी पसंद नहीं थी तो मैंने खींच के निकाल दी, इसलिए हम दोनों गिर पड़े। अंगूठी निकालने से क्या फायदा होगा? शादी तो नहीं रुकेगी ना? अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो ये शादी नहीं रुकेगी। 4 जनवरी को सूरी के साथ तुम्हारी शादी जरूर होगी।
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने भाई के सामने तो नहीं कह सकती कि वो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आपने तो उसे देखा है ना, हर वक्त नशे की हालत में रहता है और हाथ में पिस्तौल। ऐसे इंसान से शादी करके मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मेरी तरफ देखो, देखो तो सही, जब मैं शादी करके आई थी तुम बहुत छोटी थी। मुझे जब भी कोई तकलीफ होती थी मैं तुम्हें देखती थी तो अपने सारे गम भूल जाती थी। तुम मुझे भाभी कहकर बुलाती हो लेकिन मेरे लिए तुम बेटी हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम उसके साथ भाग जाओ, तुम्हारे भाई को मैं संभालूंगी। ये भी मुमकिन नहीं है, कोचा की बहन को भगा कर ले जाने वाला पता नहीं कहाँ होगा। अरे यहाँ तो हर किसी के पास पिस्तौल है, इससे पहले कि किसी की नजर हम पर पड़े हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। भाई पैसे लिए बिना जाने की सोचना भी मत। अरे बिना पैसे के जाने की तो सोच सकते हैं लेकिन बिना जान के कैसे जाएंगे। मैंने सोच लिया। मतलब निकले क्या? उन्हें खबर तक नहीं होगी। मजा आ रहा है ना? वाह 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 वाह, बहुत मस्त है यार। हम भी किसी से कम नहीं। हाँ चल। सब जायज है। क्या जायज है, अकल तो सही है लेकिन शक्ल का क्या करोगे? हाँ सही कह रहा है। वहाँ देख वो काली मिट्टी नजर आ रही है, मलेशिया की मिट्टी को जरा सी शक्ल पे लगा कर एकदम मलेशियन हो जाएंगे। यस गुड आइडिया। रुक जा, आइडिया आखिर मेरा है इसलिए पहले मैं लगाऊंगा। कैसा लग रहा हूँ इस सूट पे? ये नकाब अच्छा लग रहा है ना? तू भी बिल्कुल सही लग रहा है यार। तुझे ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मेरे सिर पर आकर गिरा है। हे भगवान, जो चीज मुझे मिलनी चाहिए वो इसे मिल जाती है। मेरा मेकअप और होलिया अच्छा नहीं है, मुझे ये मेकअप नहीं चाहिए। स्कॉच, स्कॉच ओरिजिनल है यार। तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जैसी तेरी मर्जी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बहन की मंगनी मनाली में हुई इसलिए मैं आप सब लोगों को नहीं बुला पाया, और आज की ये जश्न मंगनी की खुशी में तो एंजॉय कीजिए। मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। सभी देख रहे हैं। अरे ये नकली बाल है, खुजली का टोकरा। बाप रे। हेलो, ये बंदर मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? इसका इरादा तो ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो। अरे यहाँ तो शराब और शबाब दोनों है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ? हेलो सर, योर ब्रांडी। ब्रांडी? पीछे बंदर को पिला दे भाई। ले लीजिए। हेलो हेलो। कौन है? कौन है बे? अरे मैं हूँ भाई, तू कहाँ चला गया था? मेरे पीछे एक लड़की पड़ी है यार। अरे तेरे पीछे तो लड़की पड़ी है, मेरे पीछे बंदर पड़ा है। अरे वो ऐसे चल। मुझे आपकी फोटो लेनी है। फोटो लेने के लिए पीछा कर रहा है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने मोबाइल में कैमरा फिट किया है। मैं ऐसी फोटो निकालूंगा जिसे तुम अपने घर में टांग सकोगे, ठीक है? एक दो तीन। एक छोटा सा जाम भी नहीं लेने दिया मेरे को।
जी चाचा कहिए। मलेशिया जाकर कॉल करने के लिए कहा था, अभी कहाँ हो तुम लोग? आपको हमारी इतने फिक्र है, दिल खुश हो गया चाचा जी। तुम लोगों को वहाँ से जो पार्सल लाने के लिए कहा था वो लाओ गया नहीं? यकीनन लाएंगे चाचा जान, कहाँ नूर महल में लेकर आऊँ। नूर महल जल्दी आना, बहुत होशियारी से पार्सल लाना। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा पार्सल आपके हाथ में होगा। ए विराज, जो लड़की तेरा पीछा कर रही थी यही तो नहीं है? तुम्हारा मंगेतर नाच रहा है और तुम यहाँ हो? हाँ ये तो वही है। ऊपर वाले, ये तो कोचा की बहन है। अब मतलब कोचा की बहन। अबे जल्दी चलना। अरे अच्छा चल 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 चल। अरे यहाँ से तो रास्ता बंद है। ए उधर नहीं, इधर चल। किधर? ओके चल। अच्छा पता नहीं ये कमरा किसका होगा। अरे किसी का भी हो, या वाइन पड़ी है, पी तो सकते हैं ना। ए कोई आ रहा है, चल 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 जाते हैं। अरे सिर्फ तेरा हाथ आया, तू भी आ जाना अंदर। कोचा है यार, कोचा। बहुत खूब, अगर ये बाजार में आ गया तो इसकी कीमत होगी 6,40,00,000। Shall we proceed? नहीं नहीं नहीं। तो हमेशा पूछता था ना कि अब क्या करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया मैं है? वो डायमंड चुराने वाला हूँ। वो चोरी किस लिए? अब अगर घर को नीलामी से बचाना है तो वो डायमंड चुराना ही होगा। लेकिन कैसे? अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:59 मतलब 12 बजने वाले हैं। 12 बजने से 10 सेकंड पहले बिजली चली जाएगी और फिर जब बिजली आएगी तब वो डायमंड मेरे हाथ में होगा। जबरदस्त भाई। Hey, ये शोर कैसा है? लाइट ही चली गई। बाप रे, अरे मैं तो फिसल गया। अबे इस तरफ कहाँ गया तू? हेलो, मैं बोल रहा हूँ जगमोहन का बेटा। जगमोहन का बेटा? हे पहले मेरी बात सुन, शहर में बकरी बना फिरता है बुजदिल कहीं का। जरा देख तो सही तेरे पिटारे में नागमणी है क्या? पेटी खोल। हाँ, ओके सर। डायमंड यही है, पहले खाकर तो देख असली भी है या नहीं। निकालो इसे। खा खा खा, टेस्ट कर। टेस्ट टेस्ट। खाई सर। ये तो मीठा है जनाब। शक्कर तो मीठी ही होती है ना बेवकूफ। मुझे तेरी दौलत या डायमंड से कोई मतलब नहीं है। मेरे बाप के पैसे दे दे और अपना डायमंड लेकर जा। मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने में सिर्फ 15 मिनट है, अपने आदमियों पर एतबार करके वक्त बर्बाद मत करना। तू तन्हा आ दोस्त, जैसा तूने कहा था वाकई अकेला आया ये। वो कायर तन्हा नहीं, आदमी साथ में लाया है। तू अंदर मेरा इंतजार कर, इससे मैं निपटता हूँ। हेलो, क्यों कोचा, तू नहीं सुधरेगा ना? तुझसे कहा था ना आदमी साथ में मत लाना, पर तू लेके आ गया। जब मैं तेरे घर में घुस के तेरा डायमंड उठाकर ला सकता हूँ तो यहाँ तू मेरे साथ खेल खेलेगा? ए, कहाँ है तू? अब तो मैं वापस जाने से रहा। डैड, वो देखो उधर है। पकड़ो उसे। यस बॉस। हे,
क्या बात है सर, कोई टेंशन है क्या? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पहुंचने से पहले वो फ्लाइट में चढ़ गया हो? फ्लाइट में तो क्या, अगर वो जहन्नुम में भी होगा तो उसे वहां से घसीट कर ले आऊंगा। ए, यहां क्या देख रहा है? वो मिला क्या? पता नहीं वो कहां गायब हो गया। जाओ जाके ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। इतनी देर हो गई, अब तक मिल जाना चाहिए था। ए, जाके ढूंढो उसे, जल्दी करो, जाओ। आइए। थैंक यू। स्वागत है। सर, मुझे कुछ नहीं पता है। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, आपके पैर कितने अच्छे हैं सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ पैंट पहनना भूल गया है। अबे ये लेडीज है यार। क्या लेडीज? क्या हो गया आपको? बच गए। अबे हो क्या गया है तुझे? मुझे तो हर जगह कोचा ही नजर आता है, वो यहाँ तो नहीं आएगा ना? अब वो यहाँ नहीं आएगा। सच कह रहा है ना? यहाँ आने से रोकने के लिए मैंने उसे काम में उलझा दिया। कैसा काम? उसके हाथ को ब्लेड से काट दिया है। ब्लेड से काट दिया? जनाब, आपकी टिकट। मेरा टिकट? No, you are not allowed. What's the problem? आपके हाथ से खून बह रहा है। चले दो ने, चले दो। चले, पिछड़िए, चलिए चलिए, बाहर जाइए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मान गया दोस्त, तूने सांप के बिल में हाथ डाल दिया। Can I have your ticket, please? वो मोटा अंदर आ गया क्या? इसे टिकट चाहिए। टिकट? हमारी टिकट क्यों चाहिए? ये कोचा की बहन जैसी लग रही है। अरे लग नहीं रही है, ये उसकी बहन जैसी नहीं, उसकी बहन ही है भाई। बिल्कुल नहीं, मैं उसके बगल में बैठकर मुसीबत मोल नहीं ले सकता। तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। माफ करना मैडम। क्या माफ करना? पैर कुचल दिया मेरा। दूसरों को सिखाने से पहले खुद कायदे से बैठना सीखो। इस तरह पैर फैला कर बैठोगी तो हर किसी को ठोकर ही लगेगी ना। बेवकूफ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हेलो, पहली मर्तबा है? मतलब फ्लाइट में पहली मर्तबा जा रही है? नहीं नहीं, फ्लाइट तो मेरी रोज की सवारी है। मुझसे किसी ने बताया कि इस पायलट की पहली उड़ान है। जब मैं अंदर आया तो वो ब्रेक ढूंढ रहा था। इंडिया में पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया से आने वाली फ्लाइट का रास्ते में हादसा हो गया और 150 लोग माजूर हो गए। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क से फ्लाइट चली और समंदर में डूब गई, और कल लंदन में तो बस फ्लाइट में तो मैं पहली मर्तबा ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन अभी अभी तो आप कह रहे थे कि फ्लाइट आपकी रोज की सवारी है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। बेल्ट बांधने के तरीके से इल्म हो गया था। हा? बेल्ट बैग पर नहीं, कमर पर बांधना होता है। अच्छा ऐसा। थैंक यू सो मच। आपको इतना डर लगता है तो आप फ्लाइट से क्यों सफर कर रही हैं? मुझे एक वीआईपी आदमी से मिलना है। वीआईपी आदमी से? कल मेरे घर में दावत पर एक लड़का आया था। दावत में तो कई लड़के होते हैं। वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम है परिंदा। अरे उसी का नाम परिंदा है, मैं तो जानवर हूं। और उसने चोरी भी की। कहाँ चलने के लिए कह रहे हैं? उसने मेरा दिल चुरा लिया। दिल चुरा लिया? मुझे लगा कोई हीरे जवाहरात या जेवर चुराए होंगे। उसके बाद तुम्हें पता है वो बिल्कुल इंग्लिश फिल्म के सुपरमैन की तरह उड़ता है, चलता है, भागता है, और उसका हर एक कदम लाजवाब था। बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी देखते ही उसके पीछे पड़ गई, लेकिन मैं छत से गिर गई। लेकिन उसने स्पाइडरमैन की तरह एक रस्सी के जरिए मुझे बचा लिया। एक हाथ में रस्सी, दूसरे हाथ में मैं। उसने मुझे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। और फिर वो मुझे पानी में गिराकर कहीं चला गया। उसका चेहरा देखने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं देख पाई। मैंने तो उसी पल फैसला कर लिया कि वही मेरा हम सफर होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? जब आपने बता ही दिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा मोहतरमा, आप उसका नाम नहीं जानती, ना ही पता जानती हैं। उसे ढूंढेंगी कैसे, बताइए जरा। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, फिर भी स्कार्फ के सहारे उसकी आंखें पहचान सकती हूँ मैं। गन से वो मारे, चाकू से वो काटे, वो जब लोगों को ऊपर भेजे। ये क्या है? जो सबके पास होता है वही मेरे पास है सर। ए, क्या कह रहे हो?
जनाब, मेरी दादी ने तावीज दी है ताकि कोई भूत प्रेत मुझे पकड़ न ले। हा? सर, इसे उतारने के लिए मत कहिए, अगर ऐसा कहेंगे तो हमारे संस्कारों की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, या आगे चेक करो, बाजू में चेक करो, पीछे भी चेक करो, अब ठीक है? देखा है कैसे बच निकला? अरे यार, तो माइकल जैक्सन का भी बाप है, डायमंड कहाँ है? सोचा भाई का बोझ थोड़ी देर बहन उठा ले तो निकल गई। अरे बाप रे। हैंडसम। लाइटर। थैंक यू। डोंट मेंशन। मैम ये लीजिए आपका पर्स। नहीं तो देखिए ना मैडम, कैसे कैसे लोग हैं, एक पर्स नहीं संभालते, गुम हो जाए तो ढिंडोरा पीटते हैं। मुझे मिला इसलिए मैं लौटा रहा हूँ, वरना तो लोग। आप कितने नेक इंसान हैं, नाम क्या है आपका? मैं कुर्जी बाबू हूँ, कूल कैब ओनर कम ड्राइवर। आप मुझे होटल तक ड्रॉप कर देंगे? क्यों नहीं, लाइए बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, ये मैं खुद ले लूंगी। होशियार लड़की है। अरे यार, कहाँ चली गई वो? ये फोटो आपकी है क्या? जी मैडम, मैं ही हूँ। मेरी टैक्सी में एक बार एक आदमी 3 लाख रुपए भूलकर चला गया। मैंने वो सारे पैसे पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। उस वक्त मुझे एसपी चौहान ने सर्टिफिकेट दिया था। अब क्या करेंगे भाई? उसने अपने होटल का नाम क्या बताया था? JW मेरियट होटल ताज, ओबेरॉय होटल, ईरानी होटल, रेन ट्री। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमें एक कमरा चाहिए। 15,000 पे कीजिए सर। ओ, 50,000? नो सर, 15,000। हाँ हाँ, वही वही, जरा 50,000 देना। ये मैडम कौन है सर? फिनेंसी है। क्या फिनेंसी? ओहो, मेरी शादी होने वाली है इससे। अच्छा, फियोंसी। अरे हाँ, वही वही, जल्दी मुझे चाबी दीजिए। आइए मैडम, आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए आइए। ये कमरा बहुत पसंद आएगा आपको। बहुत खूबसूरत कमरा है। मुझ पर भरोसा करने वाले को मैं अच्छे होटल में लेकर आता हूँ। मैडम मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैडम आपको कहीं जाना हो तो कहिए, मैं लेकर जाऊंगा आपको। नूर महल कहाँ है पता है? नूर मिल, हाँ बिल्कुल पता है। तो आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं तो तैयार ही हूँ। क्या बात है। हमला, या अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सब कुछ गायब हो गया, क्या है ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है? में है लगता है, यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है भाई। कल रात की फ्लाइट है, पहुँच जाऊंगा। ऐसा क्या, धनो टांगे वाली फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसी का बाथरूम सीन है लगता है। मेरा सारा सामान गायब हो गया, आप लोगों को पता भी है? अरे भाई थोड़ा मुझे भी देख लेने दो भाई। अबे ठीक से देख, ये शूटिंग नहीं, मलेशिया वाली है यार। आई एम सॉरी मैडम। क्या सॉरी है? इतने बड़े होटल में नहाते वक्त पानी चला जाए तो सॉरी का क्या मतलब है? जरा देखो तो बेचारी को टॉवल में खड़ी है यार, और तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे बाकी टाइम में तो तुम्हारा नल हमेशा खुला रहता है, तो नहाते वक्त क्यों बंद कर दिया? इस मैटर को जल्दी सॉल्व करो वरना खैर नहीं। पानी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम का बैग चोरी हो गया है। इसका बैग चोरी हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हो जैसे तुम्हारा बैग चोरी हो गया है? ऐसा क्यों सोच रही है मैडम, आपका बैग हमारा बैग अलग थोड़ी है ना। हमारा बैग बोलिए ना, हमारा बैग, हम एक ही फ्लाइट में थे, एक साथ बैठे थे, तो आप जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ, आप जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ, आप जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ। हमारे इलाके में अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम खामोश नहीं रह सकते। मैनेजर कहाँ है? बताइए सर, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? 10 मिनट में इनका बैग मिल जाना चाहिए, वरना अंजाम खुद देख लेना। बिना जाने आप कुछ कहिए मत, दरअसल बात यूँ है कि और अब क्या बाकी रह गया, इतनी खूबसूरत लड़की को तौलिया पहना कर सबके सामने खड़ा कर दिया। अच्छा सुन सुन, चल छोड़ यार, इसके मुंह लगना बेकार है। देखो भाई इतना सीरियस मामला हो गया, ये मोबाइल में गेम खेल रहा है। हेलो पुलिस स्टेशन। आपको लगता है हम यहाँ गुंडागर्दी करेंगे या तोड़फोड़ करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम बड़े तमीज वाले हैं। वैसे यहाँ पे असल में हुआ क्या था? इनको किसी ने धोखा दिया है, इनका पति बनके इनके नाम पे रूम बुक किया था, इनके औलाद होने वाली है ये कहकर यहाँ से सारा सामान लेकर चला गया। अरे बाप रे, उसके बाद क्या हुआ? मैं कोई कहानी सुनाने वाला हूँ क्या? चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। ये भी कमाल है, 10 मिनट में इन्हें मंगेतर बनाकर बच्चा भी पैदा करा दिया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो बच्चे का सालगिरह बना के बिल भी थमा देता वो। अब इसे क्या हो गया, बुढ़ापे में जवानी फूट रही है। साहब 1 घंटे से 20-20 क्रिकेट की तरह क्या घूर रहे हैं आप? ये गुलाबी विकेट गिरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? चलिए मैं आपको जादू सिखाता हूँ। ये क्या है? ये हमारी पुश्तेरी लंगोटी है भाई। ये लीजिए, पर्दा कीजिए आप।
क्या तुम उसे जानती हो? नहीं जानती। टैक्सी का नंबर नोट किया था नहीं उसका? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी टैक्सी में एक फोटो थी जिसमें कमिश्नर उसे इनाम दे रहा था। क्या कहा, कमिश्नर? अरे यार वो तो अपना बाबू है। अरे वो तो एक नंबर का लुच्चा है, जिसकी फोटो तुमने देखी वो कमिश्नर नहीं है मैडम। आप जानती है हिंदी फिल्म के सुपरस्टार अमिताभ हैं, अमिताभ। कमिश्नर बताकर इस बेचारी को इस तरह से फंसा लिया उसने। अभी वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ रहता है मुझे पता है। सुनिए मुझे अपना फोन देंगे? एक मिनट, मैं अपना फोन देता हूँ मैडम जी को। कोई बात नहीं, एक लोकल कॉल ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे वाह, मलेशिया का नंबर इतनी जल्दी लग गया? अरे मलेशिया फोन लगा दिया क्या भाभी? ये क्या बेबी, पहुँचते ही कॉल करने के लिए कहा था ना, मैंने झूठ बोल के घर पे उन्हें समझा लिया है। टैक्सी ड्राइवर मेरा बैग लेकर फरार हो गया भाभी, उसी में मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे, सब कुछ है। हाँ, और जिस लड़के की तलाश में मैं यहाँ तक आई हूँ उसका मास्क भी उसी में था। सीमा कहाँ है बताओ? अरे फोन कट गया। फोन कट हो गया क्या? फोन कट नहीं हुआ है, ISD कॉल होने की वजह से 300 रुपए खत्म हो गए। ये पकड़। अरे बाप रे, अब मैं क्या कहूँ तुमसे, अपने बाप को भी मैं मिस्ड कॉल ही करता हूँ। पूरे 3 महीने से 300 रुपए बचा करके रखे थे और तुमने मलेशिया कॉल करके 3 मिनट में खत्म कर दिया। बताओ कहाँ गई वो? वो परिंदा की तलाश में मुंबई गई है। दमाची, परिंदा, सब मुंबई जाने की तैयारी करो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है यार? क्या पता, ये अपने चोर बाबू का घर तो नहीं लग रहा है। देखने में तो ये किसी बाबा या फिर किसी नाजूमी का घर मालूम होता है। ये नाजूमी क्या होता है? नाजूमी का मतलब वो शख्स होता है जो अपना गुजारा करने के लिए लोगों को किस्मत का झांसा देता है। अच्छा बाबू घर पर है क्या? क्या कहा? ये सारी फुलन क्यों बनी हुई है? तू कौन है, उसका दोस्त है क्या? चुप रहो और हथियार नीचे करो। मैं बीवी सुब्रमण्यम, चेंबूर रियल एस्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक आला अफसर। साहब गलती हो गई। हाँ, और ये मेरा असिस्टेंट है। जी जनाब। ये लड़की इनकी असिस्टेंट है, समझ में आई बात? भूल हो गई साहब। अबे तूने कौन सा कार्ड दिखाया रे? अरे ये वोटर आईडी कार्ड है भाई, लोग तो लिमिटेड कार्ड देखकर ही घबरा जाते हैं। यस सर। बाबू चोर कहाँ है? उसने हम सबका सामान चुरा लिया सर, सोने की चेन, चूड़ी और इस लड़की की तो स्कूटी भी चुरा कर भाग गया सर। हम सबके साथ धोखा धड़ी हुई है। आप इस तरह से दिल छोटा करेंगे तो बात कैसे बनेगी? चलिए आप बताइए। हम सब उसी की तलाश में है, वो फरार है। ओह माय गॉड, घर में ताला लगा है। उन्हें देखो वो फूट फूट कर रो रही है। आप इतना क्यों रो रही हैं? ऐसा क्या हो गया? उसने तो सिर्फ लोगों का सामान चुराया। और आपका? मेरी तो इज्जत ही लूट ली। बाप रे बाप, ओह माय गॉड, वो इतनी देर तक ये सब करता रहा, आप क्या कर रही थी तब? तब मैं सीरियल देख रही थी। क्या सीरियल देखते समय इतना कुछ? हमारे मुल्क में सीरियल पर बैन लगा देनी चाहिए सर। इस मामले का कुछ भी नहीं हो सकता। बच गया कमीना। वो तो हमसे भी बड़ा चोर निकला, शायद इसीलिए बच निकला। वो यकीनन आसपास ही है। तो यकीन से कैसे कह सकता है? बोतलें लेकर उसका शागिर्द अंदर जा रहा है, उसके पीछे चलो। आजा। आजा। आजा भाई। मैं कैसे आऊं? यह लिफ्ट नहीं बनवा सकता, चढ़कर आओ। आजा। चढ़कर? क्या? इससे झुकने को कहो तो मैं आऊंगा। किसको? किसको कहा? तुझे कहा? मुझे? पता है मैं कौन हूँ? मैं तारिकी खानदान का हूँ, मैं नहीं झुकूंगा। ये कौन है, इसका खानदान क्या है, ये तुझे पता नहीं? इसका भाई कोचा है यार। कोचा? कोचा रे बाप रे बाप, एक कोचा, एक कोचा जिंदाबाद। अरे बाप रे, देखने में फूल है लेकिन वजन तो देखो। बोलिए जनाब, काम क्या है? क्या मिट्टी की गाड़ी? क्या जनाब, आप भी मजाक कर रहे हैं क्या? कभी रजनीकांत के साथ तो कभी कमल हसन के साथ, कभी अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवा के बहुत लोगों को बेवकूफ बना रहा है ये भाई। अच्छा, मिलिट्री का रंग चाहिए। डॉक्टर, मेरी माँ का सही से इलाज करना, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको जितने पैसे चाहिए। एक किडनी नहीं बेटा, दोनों किडनी निकालने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए। ये मैडम जी कौन है? अच्छा, तो अब तो मुझे जानता भी नहीं। नहीं मैडम, मेरा बैग चला के फटाफट मेरा बैग दे दे वरना तुझे मार डालूंगी। मैडम यहाँ एक ही बैग है, उसमें गीले कपड़े हैं, इसलिए उसे कोई खरीद नहीं रहा है। मैडम आप ले जा सकती हैं। मेरा हैंडबैग कहाँ है? तुम जाकर कपड़े चेंज करो, बाकी इसे हम निपट लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से कपड़े बदल सकती हैं। जाइए जाइए। इसके अच्छे से कपड़े लेना। छोटा बैग? यही है मेरा बैग। थैंक यू। अब चलो चलें। तुझे उसी का बैग मिला था, चुरा ले। जानता भी है उसका क्या था। विराज, इससे तो बाद में निपट लेंगे, अगर वो हाथ से निकल गए तो हम क्या करेंगे? इसे अपने किए की सजा अभी भुगतनी पड़ेगी। कल किसने देखा है? शटर खोल और पब्लिक के हवाले कर दे। आप लोगों के लिए खुशखबरी, आपका चोर अंदर है। अरे यार वो लड़की भाग कर कहाँ चली गई? अब वो तो हमने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें बेवकूफ बनाया, मिली ना किए की सजा। अरे हाथ तो
अरे मुझे हाथ दो। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। यकीनन इसे फ्रैक्चर है। इसका मतलब मोच यार। अच्छा अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं। मतलब मैं सलमान भाई की शादी में नहीं जा पाऊंगी। कैसे जाओगी यहाँ से? लंगड़ा लंगड़ा कर जाओगी क्या? मोच नहीं ठीक हुई तो चल नहीं पाओगी यहाँ। तुम ठीक कर दो। मैं सिर्फ सेहतमंद मर्दों की मोच निकालता हूँ, लड़कियों की नहीं। तो फिर कौन ठीक करेगा इसे? माँ जी। मेरी माँ? तेरी माँ, मेरी माँ, हमारी माँ। अरे वो तो मोच को कितने अच्छे से मालिश करती हैं। इस लड़की को घर लेके जाएंगे तो इसको उल्टा सुला के मालिश करेंगी और इसका बैग लेकर के हमारा काम हो जाएगा और वो हमें मिल जाएगा। क्या अब, मतलब मोच दर्द गायब हो जाएगा। मेरी माँ मालिश बहुत अच्छा करती है। अच्छा, चलिए चलो। पारो, जरा अपने बेटे से पूछो वो इस लड़की को ऐसी हालत में यहाँ क्यों लेकर आया है। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो रही है, हटाओ इसे। तुम्हें कितनी बार समझाई कि इस आवारा से दूर रहो। मिसाइल चूक गई। मिसाइल किधर है? अरे विराज, कौन है ये लड़की? ये लड़की, इसका नाम सीमा है माँ, मलेशिया से मुंबई आई है। ये सीढ़ी से गिर गई ना तो इसकी कमर में मोच आ गई। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आया? डॉक्टर के पास लेकर जा। डॉक्टर के पास क्यों? तुमने तो कहा था ये मोच की मालिश करती है। किसने कहा? अरे माँ। क्या बेटा, मुझे मोच बिठाना नहीं आता। माँ, इस लड़की के भाई ने अब्बू से कर्ज लिया है। हाँ मान लेती हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? सरसों का तेल लो। अच्छा। और उसकी कमर पर कस के मालिश करो, मोच खुद ब खुद जगह पर आ जाएगी, ठीक है ना? कहाँ फंसा दिया बेटा? माँ कमर में मालिश करनी है तो उल्टा लेटना होगा। उल्टा लेटना होगा? हे ऊपर वाले। अरे माँ माँ, तुम्हें नहीं माँ, उस लड़की को उल्टा लेटाना होगा, उस लड़की को। अरे वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए ना इसलिए माँ जी थोड़ा भूल गई है। करो तो माँ जी, करो। मालिश कैसे करूँ? क्या करूँ? ये क्या करवा रहा है तू मुझसे? तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। ऐसे बोलोगी तो मैं मालिश नहीं करूंगी। तेल लो और मालिश करो, गुनगुनाते हुए मालिश करो ना। ऐसी मालिश करूंगी कि दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। ठीक हो रहा है बेटा, ठीक हो रहा है। माजी वो गा नहीं रही है, दर्द की वजह से करा रही है। आप मालिश करो ना। बहुत दर्द हो रहा है बेटी, हाथ में सामान पकड़ लो तो आराम मिलेगी। बैग चलेगा माजी? ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ए विराज, तू उस आवारा लड़के से दोस्ती कब छोड़ेगा बता मुझे? मुझे उंगली दिखाता है तो रुक जरा। अरे मेरी मुझ ठीक हो गई। अब पता चला माँ से बेहतर इलाज तो दादी माँ करती है। मर गए। मेरी मुझ ठीक हो गई, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं रूम पर जाती हूँ, मैं चलती हूँ। अपना बैग तो लेते जाइए मैडम। इमोशन में दे दिया। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मोश ठीक हुई नहीं कि तुम जल्दी ऐसे कैसे जा सकती हो? लेकिन मेरी मोश तो ठीक हो गई है, मैं जा रही हूँ। लेकिन हमें तसल्ली नहीं है ना। क्या मतलब? अरे बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो बोलो। अरे बेटी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा नहीं करना। मुझे परिंदा से मिलना है और सलमान भाई के घर रिसेप्शन पे जाना है। बुजुर्गों की बात टालते नहीं है, ये इलाका बेहद खतरनाक है। इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, कोई उठा ले जाएगा। अंदर जाओ और सो जाओ। खबरदार खबरदार, जागते रहो जागते रहो। अरे बाप रे, ये तो बैग को अपना तकिया बनाकर सो रही है। सुनो परिंदा, तुम वही हो ना जो मुझे घर पर मिले थे। मैंने तुम्हें नजरों से पहचान लिया। I love you यार, I love you so much, really. अरे बाप रे। ये कहाँ चली गई? कहाँ है वो? कौन? वही जो कल रात को हमारे घर में रुकी थी, वो लड़की। रात की बात बताओ। ए, तुझे मजाक सूझ रहा है, मामला क्या है? कुछ भी नहीं, चक्कर तो तुम्हारा चल रहा है, वो बेचारी नहा रही है। तुझसे तो बात नहीं करूंगा। अरे बेटा शादी तक तो सबर कर ले।
खूबसूरत लड़की आज बहुत खुश लग रही है। गुड मॉर्निंग भाभी, मुझे कॉफी मिलेगी क्या? अरे पूछ क्यों रही हैं? ये घर तो आप ही का है, आप चाहे कॉफी पीजिए, चाहे चाय पीजिए या हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पीजिए, जो मर्जी फो पीजिए। ये क्या, सारा खानदानी दीवाना हुआ पड़ा है। ये लो बेटी। अपने ग्लास में क्यों दिया, मुझे कप और प्लेट चाहिए। भाभी जान पी लो ना, इस ग्लास में भाई जान भी पीते हैं, मिठास बढ़ेगी। उसके ग्लास में? छी, ये तो झूठा है, कहाँ रखो इसे। कॉफी का ग्लास तो मैं झूठा लग रहा है, जब मेरे बेटे को गले लगाकर चुम्मा ले रही थी तब नहीं सोचा। चुम्मा? हाँ, कल रात तो मेरे बेडरूम में आए थे क्या? हाँ आया था, वैसे भी वो मेरा बेडरूम है तो। जब मैं सो रही थी तब नींद में तुमने मेरा चुम्मा लिया था और तुम्हारे पूरे खानदान ने देख लिया। अच्छा तो ये बात है, वो चुम्मा मैंने नहीं तुमने लिया था। तो और नहीं तो क्या, तुम नींद में किसी का नाम लेकर बड़बड़ा रही थी और मैं तो चुपचाप जा रहा था, लेकिन तुमने चुपके से मेरी चुम्मी ले ली। आओ बताता हूँ, ये ऐसे लिया। अगर मैं ऐसा कर रही थी तो तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। तुम तो गहरी नींद में सो रही थी, नींद में तुमने मेरा चुम्मा लिया और ऊपर से तुम ही मुझ पर रौब झाड़ रही हो क्या? अब तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। निकलो निकलो, हवा आने दो। चेक आउट करते वक्त रिसेप्शन पर दादी से बिल क्लियर करती जाना। निकल लो चलो। अरे गाड़ी को क्यों ठोक रही हो? हाँ अब्बू को तो धोखेबाज कहते ही है, अब मुझे ही कह लो। अरे विवेक, मैंने चेक किया लेकिन इस डिब्बे में तो डायमंड है ही नहीं। डायमंड नहीं है कहीं, उसके बैग में तो डायमंड नहीं गिर गया? अभी आता हूँ, मुमकिन है। भाई जान कहाँ चले? अरे तू गाड़ी तो स्टार्ट कर ना भाई, बताता हूँ ना तेरे को कहाँ जाना। रास्ता। क्या ये है बेटी? ये नहीं है। जा। तो क्या ये है बेटी? नहीं। ये? नहीं। अच्छा ये? अरे जनाब ये पुलिस वाली है। हेलो मैडम, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, अब हटो। अभी दो लड़के जो मलेशिया गए थे। हाँ बेटे, वो दो लड़के पार्सल ले गए थे। वो सारी जायदाद छोड़ सकते हैं लेकिन बिरयानी बिल्कुल नहीं। टक 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 टक, ये इसका पकड़ो बेटा। ये वो देख, क्या 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 बैग मिल गया, देखना। ए अबे देख के हंस रही है यार। अबे वो घूर रही है, सीधे खड़े हो जा, घूम जा घूम जा घूम जा, उस तरफ घूम जा। अच्छा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मुफ्त की बिरयानी खाने ना? मैंने कहा था, याद है मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? हम जी जान से उस परिंदे को तलाश ही लेंगे। हाँ बहुत हो चुका तुम लोगों का ये ड्रामा, मैंने सबको चेक कर लिया है, अब सिर्फ दो ही लड़के बचे हैं, मैं खुद तलाश लूंगी। थैंक यू। मिल जाएगा, तू समझ गया ना? मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक्चुअली तूने मेरी बैग क्यों पकड़ी? आपने मेरा बैग पकड़ लिया तो मैंने आपका बैग पकड़ लिया। मुझे क्या समझ रखा है? बहुत खूबसूरत है, थोड़ी दुबली हो जाती तो और खूबसूरत लगती। जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस इलाके की पुलिस कांस्टेबल। माफ करना मेरे को, माफ करना। इस बैग में क्या है? कैडबरी। चुप हो रहा मैडम, ये बैग मेरा है, इन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। दीजिए मेरा बैग। अब तो तहकीकात के बाद ही मिलेगा तुम्हारा बैग। ए इधर आ, तूने शराब पी है क्या? भैया के घर कभी कोई पी के आ सकता है क्या? फूक फूक फूक। फंसा दिया ना। बाप रे, ए कहाँ गया वो? मैंने शूट किया लेकिन वो बच के निकल गया। जाओ ढूंढो उसे। Ah!
जाओ इस तरफ, जाओ जल्दी। कहाँ हो बेटा? तुम मलेशिया में जिनसे मुलाकात करने गए थे वो हमसे मिलने घर आए हैं। कहिए कोचा आए हैं बहन जी? कोई कोचा जी है। पैसों के बारे में बताइए उसे। वो तुम्हारे अब्बू के पैसे साथ लेकर आए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? ललिता। यहाँ पे सभी औरतें ही हैं क्या? बेटा जल्दी घर आ जाओ। आराम से आने के लिए कहिए, कोई जल्दी नहीं है। अले ले 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 ले। कैसे हो बेटा? तुम तो बहुत प्यारे हो। उन्हें हमारा घर ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई पता है? तो क्या हुआ, अब तो पता चल गया ना, कोई भी काम जल्दी खत्म कर देते हैं। बस भाई का काम थोड़ा रुक गया, आज वो भी फाइनल हो जाएगा। माँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ।
कितनी देर लगा दी बेटा, इतने बड़े आदमी कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? कहाँ है वो? बच्चा रो रहा था, वो उसे अपनी गोद में उठाकर अभी अभी बाहर लेकर गए हैं। कमीना कहीं का। हाँ वो पहुंचा देंगे हम। कहाँ है वो बोल? मुझे ढूंढ रहा है, यहाँ हूँ मैं। चल ऊपर आ जा। आजा मेरे शिकार। बच्चा रो रहा था तो बंदूक दे दी, ये खामोश हो गया, इसे पता नहीं है कि असली है। नादान है इसलिए खेल रहा है, लेकिन तू जानते हुए भी मुझसे खेल रहा है। बोल कहाँ है डायमंड? है ला दे मुझे, जल्दी दे। तू तो जगमोहन का बेटा है ना, इसलिए सोचा कि तुझे इस पिंजरे में बंद करके बात करूं। ए, मैं इतनी दूर सिर्फ डायमंड लेने नहीं आया, तुझसे मिलने आया हूं। क्योंकि तेरे बाप की जुबान से तेरी तारीफ रुकती ही नहीं है। तेरा बाप भगोड़ा नहीं है ये मैं जानता हूँ, सुन के झटका लगा क्या? तेरा बाप मेरी कैद में है गुलामों की तरह। बच्चे को थोड़ा खेल दिखाता हूँ। जबरदस्त, तेरी तरह तेरा बाप भी मुझसे पैसे वसूल करने आया था, फिर मैंने उसे एक और एग्रीमेंट का झांसा दे दिया। मेरी बात को पगला सच समझकर अपने साथ सारे लोगों को काम पे ले आया। क्या हुआ? अरे ये तो किम्बरलाइट का पत्थर है साहब, अगर पत्थर मिला है तो उसके नीचे हीरा भी मिलेगा। ये मैं भी जानता हूँ कि वहाँ पे हीरा है, इतना जानते हुए भी मैं उसे ना निकालूं, क्या मैं इतना पागल हूँ? साहब ये नाजायज है, इसे ईमानदारी से सरकार को सौंप देना चाहिए। तेरे बाप ने हीरा निकालने से इनकार कर दिया। हमने जितना काम किया उसकी मजदूरी से हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। ए, सब लोग जाने की तैयारी करो। तेरा बाप बेचारा सीधा साधा इंसान, मेरे बारे में उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, कड़प्पा में ही उसे मारना चाहता था। ए, फिर भी तेरे बाप को जिंदा रखा। अगर तुम लोग हीरे निकाल कर दोगे तो जिंदा रहोगे, वरना हुजूर रहने दीजिए। मेरे पार्टनर ने गुस्से में तेरे बाप के दो आदमियों को जान से मार डाला। हुँ? तेरा बाप हमेशा एक ही रट लगाता है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, लेकिन अब मैं उसे जाकर बताऊंगा कि तेरा बेटा कभी नहीं आएगा, वो मर गया। आए? आए? मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। जब मेरे आदमी लिफ्ट की रस्सी काट देंगे तब ये लिफ्ट सीधे जमीन के अंदर जाएगी और तू सीधा ऊपर जाएगा, और अगर फिर भी तू ना मरा और अपने बाप को बचाना चाहता है तो आ जाना उसकी जान बचाने कड़प्पा में। ए, लिफ्ट को ऊपर जाने दो। अब रस्सी काट दो। अरे
यार। अरे तू तो मुझे पैसे दिलाने लाया था, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ बताइए तो? बच्चा देखो ना क्या कर दिया उसके साथ, मेरा बच्चा। क्या हुआ चाचा? उसे उसे नीचे फेंक दिया बेटा। जब मेरे आदमी लिफ्ट की रस्सी काट देंगे तब ये लिफ्ट सीधे जमीन के अंदर जाएगी और तू सीधा ऊपर जाएगा। और अगर फिर भी तू ना मरा और अपने बाप को बचाना चाहता है तो आ जाना उसकी जान बचाने कड़प्पा में। की वजह से फरार नहीं हुए। उस बदमाश ने मेरे अब्बू को अपनी कैद में रखा है। क्या? अब तू क्या करने वाला है? लिफ्ट में बंद करके उसने कहा था कि अगर माँ का दूध पिया है तो कड़पा आ जाना। मैं उसका दुश्मन नहीं, मौत का फरिश्ता हूँ। बेटा, माँ तुमने अपने शेर को काम करते देखा है, कभी शिकार करते नहीं देखा। अब मैं उससे सबक सिखाऊंगा। विराज, ऐसी अनजान जगह पर अकेला कैसे जाएगा? बिल्कुल नहीं माँ जी, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। अगर इसे कुछ भी हो गया ना तो इसकी हिफाजत के लिए पूरा शहर खड़ा हो जाएगा। तू बेफिक्र होके जा, मैं यहाँ सबकी रक्षा करूँगा। तू कोचा को तबाह करके आना। दामाद जी, शादी की तैयारियां हो गई? शादी की तैयारियां हो रही है, आप ये बताइए उस लड़के का क्या हुआ? मैं उसे लिफ्ट में बंद करके लिफ्ट की रस्सी काट के आ रहा हूँ। जगमोहन के बेटे को मार दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अगर वो सांप है तो मैं भी नेवला हूँ। हे बेबी, तेरे आशिक का काम तमाम हो चुका है। जिंदा है क्या? और हमारे इलाके में दाखिल हो गए हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। क्या रे कोचा, सोच रहा है कि बंद पिंजरे से पंछी बाहर कैसे आ गया? तूफान को बांधना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हे हे, सब जल्दी गाड़ी में बैठो, चलो। तूने कहा था ना कि माँ का दूध पिया तो आ जाना, ये देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ए बुजदिल, शेर का मतलब तो जानता ही है ना तू? इस तरह टोली लेकर कुत्ते चला करते हैं, शेर नहीं, समझो? किसी भी जगह पर किसी के भी रूबरू, आंखों में आंख, सीने में जिगर और बाजू में दम रखने वाले कोई मर्द कहते हैं, समझा? मेरे सामने मत आ। इनमें तारे नजर आ गए ना? सिर्फ जिगर होने से जिगर वाला नहीं होता, उसके लिए माँ का दूध पीना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। तू गधे की तरह रेंगता क्यों है बे?
तेरा हिसाब पक्का था लेकिन एक गलती कर दी बेटा। अबू के बारे में सारी सच्चाई बताकर मुझ पर एक एहसान किया तूने। ए, हम लोग बाप की बात नहीं मानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये जवानी का जोश ऐसा ही होता है। इसके बावजूद कोई हमारे बाप पर उंगली उठाए तो उसका हाथ उखाड़ देते हैं। बाप के लिए हम जान भी दे देते हैं, लेकिन तुझ जैसी औलाद समझ नहीं पाएगी। तूने मलेशिया के कोचा को देखा है लेकिन ये कड़प्पा है, यहाँ मैं क्या हूँ तुझे अंदाजा भी नहीं है। इतना सब देखने के बाद भी तेरी आंखें नहीं खुली क्या? मैं जंगल का शेर हूँ, आसमान की बिजली, समंदर की लहर और धरती पर तूफान हूँ मैं। तुझे तो तड़पा तड़पा के मारूंगा। बता मेरे अब्बू कहाँ है? अपने बाप के बारे में उनसे जाकर पूछ, एक बार मुड़ के तो देख जरा। ये तेरे शहर वालों जैसे नहीं है, तुझे उनके गुस्से का अंदाजा भी नहीं है। आगे पीछे सोचना उनका काम नहीं है, अगर मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात भी करता है तो उसे खत्म कर देते हैं, उसके बाद वो उसकी वजह पूछते हैं। अब पता चला तुझे, ये है कड़प्पा। तू खुद को आंधी और तूफान कहता है? मारना मारना मुझे। ए, बिजली की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड लेती है लेकिन झटका 10,000 वोल्ट का देती है। ट्रेलर दिखाओ। सर, यस सर, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, कोचा। क्या कोचा? उसको तो जगमोहन के बेटे ने जख्मी किया। मेरे इलाके में एक लौंडा घुसकर मेरे दोस्त को मारता है और तू हाथ पर हाथ धरे बैठा है, तू क्या हकीम है? पुलिस हूँ सर। पुलिस जी? तो फिर तू यहाँ अस्पताल में क्या बेचने आया है? चल क्या कर, ढूंढ उसे। कोचा की तबीयत तो पूछ लीजिए, आप जहाँ भी जाते हैं अपना काम तो भूल ही जाते हैं। फिजूल की बात मत करना। डॉक्टर, कोचा किधर है? उधर। ये सब क्या हो रहा है? ये सब योगा कर रहे हैं। मेडिटेशन। मेडिटेशन नहीं है जनाब, करिश्मा है, करिश्मा बुरी तरह मारा है। ओहो, ये मलेशिया के गुंडे हैं, इन्हें किसी मामूली शख्स ने नहीं मारा है, वरना इनकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह नहीं होती, कंपनी को तोड़ फोड़ के रख देंगे, इसीलिए हमने इनको। कोचा, मेरे दोस्त क्या हुआ? सर, 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 मेहरबानी करके इनसे दूर। ये मेरा पार्टनर, इसको उसने मारा है। एक शख्स ने मारा है ये मैं मान नहीं सकता, कम से कम 100 लोगों ने मिलकर मारा होगा। अपना मुंह बंद रखना। सर, क्या आपने देखा था? मैंने देखा था। आप बिना सर पर की बातें कर रहे हैं। एक बार कह दिया ना कि मैंने देखा था। देखिए सर, ये अस्पताल है और मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, इनको किसी ने नहीं मारा, कुछ न कुछ तो पक्का गड़बड़ है। भाभी 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 बताइए ना, आपने देखा था ना उसे? कौन? कौन? जगमोहन का बेटा, वही जगमोहन का बेटा। भाभी, उसे तो तुम लोगों ने मार दिया था, मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, वो आया था, उसी ने मारा है। उसने नहीं मारा, रेलगाड़ी आई और हादसा हो गया। क्या कह रही हैं आप? रेलगाड़ी आई और इनके साथ हादसा हो गया। रेलगाड़ी? क्या रेलगाड़ी से हादसा हुआ? हाँ। लेकिन उन्होंने मुझसे फोन पे बात की थी, मुझसे बात की थी। हाँ, इसलिए तो हादसा हो गया। फोन पर बात करते करते पटरी पार कर रहे थे और उसी वक्त रेलगाड़ी आ गई, ये सब उन्हें बचाने के लिए गए, उसी एक मिनट में इतना सब कुछ हो गया। देखिए, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। उन्हें झूठ बोलकर क्या हासिल होगा? पर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये सब तेरी वजह से हुआ है, ये हादसा रेलगाड़ी से हुआ है, ये कड़प्पा कोंडा रेडी का इलाका है, मेरी इजाजत के बिना यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बेवकूफ कहीं का, जगमोहन का बेटा मर चुका है, कोचा ने ही उसका काम तमाम किया है।
सुनो सर, मैंने और उसने कारोबार का जो सौदा किया था वो सब कहाँ है? सब लैपटॉप में है जनाब। हाँ लैपटॉप, लैपटॉप लाओ। मुझे उसका पासवर्ड पता नहीं है सर। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो सिर्फ उनका पीए हूँ, कारोबार के बारे में खबर रखता हूँ और कुछ नहीं। डॉक्टर डॉक्टर मेरी बात सुनो, ये कोचा जो मेरा पार्टनर है उसकी याददाश्त कब आएगी? सर याददाश्त कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है। ये क्या कह रहे हो? मेरा कोचा अस्पताल में नहीं रहना चाहिए, अस्पताल को मेरे घर में शिफ्ट करो। ए सबको निकालो, बस आ चुकी है। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। हे क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? भाईजान वो जीतू भाई साहब है? जीतू भाई साहब उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं भाईजान। हे क्या कर लोगे तुम उनका, क्या कर लोगे बताओ मुझे? भाई साहब भाई साहब भाई साहब भैया ए, सब लोग चलो बस खड़ी है। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। भैया ऊपर हैं। ठीक है यहाँ आओ। भाभी भैया को क्या हुआ? ट्रेन हादसा? ट्रेन हादसा नहीं हुआ, परिंदा ने इन्हें मारा है। परिंदा? वो अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। भाभी वो सिर्फ तेरे लिए पैदा हुआ है, कोचा के खिलाफ आवाज उठा सकता है। तेरे भाई ने उसके खानदान पर बेवजह जुल्म किया है। चलो चलो चलो, चलो बैठो 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 जल्दी। वो जरूर आएगा, तुझे अपने साथ ले जाएगा, बेफिक्र रहो। क्या भाई साहब हमसे फिर से खान जा रहे हैं क्या? नहीं कुल्लू मनाली जा रहे हैं। हे उन लोगों ने जगमोहन जी के बेटे को मार दिया है, लगता है अब पूरी जिंदगी खान और कडप्पा में ही गुजारनी होगी। हे, हे विराज, तुम्हें तो उन लोगों ने मार डाला था ना? कोचा ने मारने में कोई कमी नहीं की थी, बदले में मैंने उसे बहुत मारा। कोचा को तूने मारा है? कोचा को तूने मारा है इस बात की खबर कोंडा रेड्डी को हुई तो? खबर हुई तो? अगर हमने ऊंची आवाज में बात कर ली तो उसे खबर हो जाएगी, वो हमें यही दफन कर देगा। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुझे यहाँ से छुड़वा कर ले जाऊंगा। तेरे अब्बू तुझ पर जान छिड़कते हैं, कम से कम उनका तो ख्याल कर ले बेटा। मेरे अब्बू मुझ पर जान छिड़कते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मेरे अब्बू के लिए अपनी जान दे देते हैं। अपने अब्बू और उन सब लोगों को दुनिया के किसी भी कोने से बचाऊंगा और कड़प्पा से बाहर निकाल ले जाऊंगा। चलो 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 उतरो उतरो, जिन जिन के सर पर चोट लगी है वो सब लोग उधर जाओ। चलो उतरो चलो। जो आदमी शैतान की तरह चारपाई पर लेटा हुआ है वही है कडप्पा का राजा। ए, ए, क्या रे तुझे नींद आ रही है? नहीं, नहीं। मैंने दबाने को बोला और तू सो रहा है। कल से इसका खाना पीना बंद। हट मुंह खोल। बच्चों को देख रहे हो ना, उनका बस यही एक काम है, उस शैतान के पैर दबाते रहना। ए, तू छोटे बच्चे को मारता है, तू इंसान है या हैवान? मुसीबत टली, चला गया शैतान। हाँ? अरे ये तो रुक गया। कौन है वो? भाई दरअसल ये लोग अस्पताल में थे ना, इलाज करा के लाया हूँ। वो है कौन? जीतू भाई, अपना ड्रिल मशीन वाला। जीतू भाई आप लोगों को बहुत मारते रहते हो, उन बेचारों को अस्पताल से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये अपना जीतू भाई है। भाई भाईजान, मेरे भाईजान आए हैं। भाईजान भाईजान कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अरे ये इसका भाई है क्या? तुझे मुझे बताना चाहिए था ना कि तेरा भाई अस्पताल में है, मैं तेरे घर में जाके सो जाता। बेवकूफ। क्यों बे, गुस्सा आ गया? मुझे आग दिखाता है, फिर से अस्पताल पहुंचा दूं क्या? हाँ भाई मैं संभालता हूँ ना, क्यों रे
अस्पताल जाकर अकल नहीं आई तेरी? इसके तो चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? चलो जाओ, जाओ यहाँ से, चलो चलो। सबसे पहले हमें तेरे अबू का पता लगाना है। मेरी बात मान, दिमाग को ठंडा रख। चल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल जाना, जा। हाँ हाँ ठीक है, हादसा ही हुआ है, तू फिक्र ना कर, सब ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। हाँ मैं तुझे सब बताता हूँ। शादी अभी नहीं होगी, जो बाद में बात करता हूँ। अब शादी तो रुकी गई है ना, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं इस बारे में? अच्छा चलते हैं। तू ऐसे कैसे कह रहा है कि शादी रुक गई है? शादी होगी और जरूर होगी, समझ गया? और कोई भी यहाँ से गया तो सोच लेना, आपको मुझ पर यकीन नहीं है, उसकी बात पर यकीन है। मैं जानता हूँ कि वो आएगा और उसे भगा के ले जाएगा। पंडित को बुलाकर एक और मुबारक दिन निकालेंगे। पंडित क्या बताएगा, आज अभी इसी वक्त शादी होगी, मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। छोड़, पागल हो गया क्या? तू क्यों मरेगा, तू क्यों मरेगा? तेरी शादी आज ही होगी। देखिए चाचा जान, शादी तो आज ही होगी। चलो अंदर, चलो शादी की तैयारी करो। आ जाओ, चलो अंदर जाओ, सभी लोग शादी की तैयारी जारी रखो, शादी आज ही होने वाली है, अभी और इसी वक्त। देख विराज, यही हमारा बसेरा है। शाम को काम खत्म होते ही एक कैदखाने से दूसरे में आ जाते हैं हम लोग। हे भगवान, सबकी बुरी नजर से मेरे भाईजान को बचाना, किसी की बुरी नजर ना लगे मेरे भाईजान को। भाईजान थूको, अस्पताल से बचकर आया हो ना, इसीलिए। नहीं, मैं तेरा भाई नहीं हूँ बहन। मालूम है, मुझे पता है मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। आपको छुआ तभी पता चल गया था कि आप मेरे भाईजान नहीं है। भाईजान हमेशा मुझसे कहते थे सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। उन्होंने जो कहा वो हकीकत हुआ। आप हमारी हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं। नमक लाने को कहा था, नहीं लाया ना? भूल गया, अभी लाता हूँ। ए, राजा भाई के पैर में दर्द हो रहा है, दबाने के लिए क्यों नहीं आया? तुझे बुलाने के लिए साहब को आना पड़ेगा क्या? मेरा हाथ चल गया इसलिए पैर नहीं दबा सकता। चलिए बात वहाँ चल के बोलना, चल मेरे साथ। छोड़ो, देखिए उसे छोड़ दीजिए, उसका हाथ चल गया है, ठीक होने तक उसे बख्श दीजिए। चल छोड़ देते हैं, बदले में तू चलेगी क्या? इस अंधी को दिखाई नहीं देता। अंधी है तो क्या हुआ, चीज तो कमाल की है ना। चला आजा, चल हमारे साथ। छोड़ो मेरे बहन को, छोड़ो, छोड़ो। पैर दबाने के लिए मैं चलूंगा। तो कौन है रे? लगता है ये नया बकरा है। तो तू चलेगा क्या? भाईजान, भाईजान मत चाहिए। मेरी फिक्र मत करो भाई, बच्चे का हाथ जल गया इसलिए ये आदमी आया है। इसकी जगह इसकी बहन आती तो ज्यादा मजा आता। इधर आवे भाई, ये अभी अभी अस्पताल से आया है, इसकी हालत अभी ठीक नहीं है ना भाई, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। मालिश तो यही करेगा, अभी अभी ये अस्पताल से जो आया है, हाथ बहुत नरम होगा इसका। ए, इधर आ। बहुत मजा आ रहा है। चलो पैर दबा। बिल्कुल औरतों की तरह दबा रहा है तू।
हे, मुझे लगा कि तू चीखेगा। हाँ, सिगरेट लगाने से भी तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या? अस्पताल से आने के बाद तेरी चर्बी ज्यादा बढ़ गई है क्या? यहाँ से तू सीधा अब कब्रिस्तान जाएगा। मैं इसे ले जाता हूँ। चल भाई चल 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 चल। हेलो, इन्हें पता नहीं है कि तू विराज है। ये समझ रहे हैं कि तू जीतू भाई है। अगर इन्हें पता चल गया तो तुझे और तेरे अब्बू किसी को नहीं छोड़ेंगे ये। ए, 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 रुक 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 रुक। तुझे वो सिगरेट से जला रहा था ना, तो फिर तू चीख क्यों नहीं रहा था? ये उसी से जाकर पूछ। हाँ बकरा ना, भेजता हूँ, आज ही भेज दूंगा। अब चीखने से कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ी देर में कोंडा रेड्डी के दस्तरखान पर प्लेट में नजर आओगे। ऐसा नहीं होगा। ये बकरा बोलता है? बकरा का भी बोलता है क्या भाईजान? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपने अब्बू की तलाश में निकला हूँ। हाँ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई, भाई बकरी ले जाने की जगह है क्या? समझाया लेकिन वो लोग समझे नहीं। किसको समझाया था? बकरियों को। अब मैं समझाता हूँ ना भाई। ठीक है लेके जाओ। हाँ ठीक है, लेकर जाता हूँ। चलो चलो चलो, निकलो निकलो यहाँ से, चलो। वो आएगा? वो नहीं आएगा। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो नहीं आएगा। सीमा, आपने तो कहा था कि वो जरूर आएगा और मुझे साथ ले जाएगा। कहाँ है वो? मेरी बात तो सुनो। क्या ऐसे कोई पिन लगाता है क्या? वो तो आ गया भाभी। ऐ वहाँ पर सारी तैयारी हो गई है ना, जल्दी जल्दी करो, हाथ चलाओ। मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आया है। थैंक यू भाभी। बाप रे, मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी भाभी, क्या करूँ मैं? अब मैं चलती हूँ। अरे सुनो, बाय बाय। ए विराज, इधर आ। ए, आ, चलो चलते हैं। देख क्या रहे हो, चलो ना। कहाँ? कहीं भी चलो, पर मुझे यहाँ से निकालो। तो जाओ। हाँ, तुम मुझे यहाँ से ले जाने नहीं आए? मुझे बहुत सारे काम है मोहतरमा। पता है आज मेरी शादी होने वाली है। सच में? मुबारक हो, जिंदगी भर खुश रहो। बहुत अच्छे। अगर शादी हो गई ना तो फिर मैं। और फिर क्या, सुहागरात होगी, वो भी मलेशिया में। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जल्दी प्यार अब पहले तो कहा कि तुम। अरे ऐसे भूल भर क्या देख रहे हो, चलो चलो यहाँ से, चलो। क्या हो रहा है? खाना बनाना सिखाना है ना। हाथ संभाल कर जलानी चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हेलो। हाँ, ये कहाँ चला गया? ए इधर आ। अभी क्या कम मुसीबत है? जो तू और बढ़ाना चाहता है, तू इससे मोहब्बत करता नहीं, है? नहीं, सच में नहीं करता? तो वो भागने को क्यों बोल रही थी? इसका जवाब वही दे सकती है। मुझे जवाब चाहिए। हाँ सब ठीक है। जी जनाब। ए बकरी वाला, बकरी देखना, यहाँ क्या कर रहा तू? मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ बोलिए भाई। अरे मैंने बात कर ली है, आप फिक्र मत करिए। हाँ हाँ। ए सुनना, मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या है बे? इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये यहाँ पर। बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर, इसमें कुछ सुधार होगा या नहीं? जी बिल्कुल होगा सर। अरे किसमें सुधार कर रहा है, खुद के और इसके बीच में? सर, क्या अरे बोल तुम रहे लोगों का कुछ फिक्र भी है, मेरा पार्टनर किस हाल में है? ऊपर से ये लैपटॉप नहीं खुल रहा है, तुम्हें पता है इसमें क्या है? मुझे कैसे पता होगा? तुम तो यार खामोशी रहो। भाई साहब को देखो, उनको सब कुछ पता है। इस समय क्या हो रहा है, कहाँ करना है, कारोबार क्या चल रहा है, किस बैंक में कितना पैसा है, वो सब इस लैपटॉप में। भाई को हर चीज की जानकारी है, आप फिक्र मत करें। चुप हो जा, फिजूल की काव काव कर रहा है। हे डॉक्टर सोन, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, मेरे पार्टनर को ठीक कर, वरना तुम्हें खुद के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। देखिए सर, इनकी याददाश्त आते ही ये इस बटन को दबा देंगे। अगर याददाश्त आ गई ना तो बटन को प्रेस करना, समझ गए ना? चल प्लीज, आप प्लीज बाहर जाइए। कोचा, अगर वो आ गई ना तो ठोक देना। बहुत खूब, मेरी धुलाई का बहुत अच्छा असर हुआ है।
अब इसे ओपन कैसे करूंगा? तेरी तो मुझे पता है। तुम्हें पता है? वो नहीं, ये पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे यार, ये बताओ इसका पासवर्ड क्या है? पहले तुम बताओ। क्या बताऊं? प्यार के बारे में, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? बाद में बताता हूँ, पहले कोड बताओ, जल्दी करो। पहले तुम जवाब दो। ठीक है, मैं भी करता हूँ। क्या करते हो? वही मोहब्बत करता हूँ, अब कोड बताओ ना। तो फिर किस करो? किस करूंगा तो ओपन हो जाएगा। नहीं, प्यार करते हो इसका यकीन हो जाएगा। देख लिया ना आपने, बड़े भाई के सामने बैठकर छोटी बहन कितनी गंदी गंदी बातें कर रही है। ठीक है, हाथ पे किस करो। मेरे भाई का फिंगरप्रिंट लैपटॉप ओपन करने का कोड है। अरे मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन चलो थोड़ी तो अकल है तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। डायमंड का रॉ मटेरियल है किम्बरलाइट। यह सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलता है। ये हमारी सोच है, लेकिन हिंदुस्तान में भी है। उस जगह को बैन करने का मशवरा हमने ही सरकार को दिया है। खुदाई करके किम्बरलाइट को निकाला गया तो यहाँ पर जलजला आने की गुंजाइश है। इसलिए सरकार ने उस जगह को एक राज बनाकर रखा है, और उस नक्शे के बगैर किम्बरलाइट को निकालना नामुमकिन है। देख लिया ना तुम्हारे भाईजान के क्या कारनामे हैं। अगर फंस गया ना तो कैद जरूर होगी। मैं तो अपने अब्बू की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन बहुत बड़ी बात पता चल गई। अब देखना तुम्हारे भाईजान का क्या हश्र होता है। अब क्या करें? अरे तुम लोग क्या हो? पूछा, याददाश्त वापस आ गई क्या? अब जल्दी से इसे खोल, खोल दे, खोल 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 इसे। बताइए, बताइए आप, बताइए, इसी ने मारा है ना? बताइए, आप कुछ नहीं जानते हैं, बताइए, बताइए। हाँ, अरे रे, आप लोग हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, जरा हटिए हटिए, ये भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भगवान तिरुपति बालाजी की जय हो। बालाजी की। अरे कितनी चोट लगी है, देखिए भगवान जी ने इन्हें बचा लिया और इन्हें सब कुछ याद आ गया है। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ जी। शुक्रिया डॉक्टर। इतना ही नहीं, अगर बहन की शादी अच्छी तरह से हो गई तो तिरुपति जाकर सिर मुंडवाएंगे, ऐसी मन्नत मांगती हूँ। शादी के बाद छोड़िए, ये तो कब का ऊपर का टिकट कटा ले। बताइए, आप बताइए, सच में बताइए। अरे अरे, फिर से इशारा कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? अब सुनिए जी, हम जरूर जाएंगे, दर्शन करने जरूर जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? गोविंदा, गोविंदा। अरे क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोचा, कोचा, कोचा। इनकी याददाश्त वापस चली गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। इस तरफ से। अरे अरे, कहाँ ले जा रही हो मुझे? मुझे इस घर के सभी रास्ते पता हैं। ए, रुक जा, रुक। चलो। अरे सुनो, जगमोहन का बेटा आ गया। क्या कहा? आ गया? हाँ। ए, पकड़ो उसे। अरे कहाँ गया? ढूंढो उसे। तुम्हें मुझे भगाना चाहिए था, पर मुझे ही भगाना पड़ रहा है। अब भगाता हूँ, चलो आओ। जल्दी ढूंढो उसे। वो सब यहीं आ रहे हैं, अगर पकड़े गए तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो कर लेना। फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो, मुझे ले जाने का वादा भी किया था, सिर्फ पासवर्ड के लिए झूठ कहा था क्या? मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया? बकवास मत करो, चलो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो नहीं होगी। पर कैसे? इसके अंदर जाओ। इसमें छुप जाऊंगी तो शादी रुक जाएगी। अरे जल्दी करो ना। क्या कर रहे हो? चलो ध्यान से सुनो, ये शादी नहीं होगी, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। ये मुझे दे।
ये दवाई खास करके जहर के लिए है। अगर जहर को निकालना है तो दवाई अंदर जानी चाहिए, तब तबीयत सही हो जाएगी। तो ये दवाई 4 से 5 दिन तक रोजाना पिलानी पड़ेगी, ठीक है ना? समझ गए? रेल हादसा हुआ था ना? हाँ, सही। ए डॉक्टर सर, ये हादसा नहीं था, किसी ने मारा था इसको। अकेले इंसान ने इतना ज्यादा मारा? उससे भी ज्यादा ताकत से मारना आता है मुझे। जिसने भी तेरे शौहर को मारा वो कहाँ है बता? वो जगमोहन का बेटा कहाँ है बोल? तो इनसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ। क्या मतलब? फिर से तिरुपति बालाजी? तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। मेरे कमरे में एक साड़ी रखी हुई है, उसे पहनकर आप फिर बताती हूँ तुझे। क्या है? तो बड़ी डींगे हाँकता था कि कड़प्पा तेरा इलाका है, जा जाकर तलाश करना उसे, उसके बाद पता चलेगा कि वो कौन है। कुचा? कुचा? क्या? ये क्या बोल रहा है? मुंह से बदबू आ रही है, मुंह बंद रखने के लिए बोल रहे हैं। चला, हाँ बोल। अब वो खान में है क्या? क्या कहा, खान में? 10 मिनट रुक, बस 10 मिनट रुक, बस 10 मिनट। ए, मेरे पार्टनर का ख्याल रखना, पहले उसे खत्म कर दूं, उसके बाद तुम लोगों से निपटता हूँ। ए, गाड़ी निकाल और इन्हें अंदर कमरे में बंद कर दे। ए, चलो चलो अंदर लेकर चलो, आराम से आराम से आराम से आराम से। दोस्त, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। हे, इधर आ, इसे देख। ये जगमोहन का बेटा है क्या? बोलना दोस्त। चला, इधर आ, इधर आ। ये है, ये है। इसे देख, ये है क्या मेरे दोस्त? इधर आ, ये है क्या? ए, उधर कर, ये है क्या? ये नहीं है। चला, इसका तो पेशाब ही निकल गया। ए, 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 ये है क्या? बोल दोस्त, ये है क्या? अरे बता ना पार्टनर, बता पार्टनर, यही है क्या? गर्मी हो रही है, बता पार्टनर, गौर से देख कर। ए, पंखा बंद कर। पंखा किसने चलाया? बंद करो, हमेशा पंखा चलाते रहते हो। हाँ, क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा पार्टनर, क्या बोला? साउंड कट गया लगता, तार निकला हुआ है कहीं से। यही है क्या बोला पार्टनर? यही है क्या? क्या बोला? चल जा। अच्छा, तो इसे लगाने से आवाज आती है? बताओ पार्टनर, क्या यही है? ए, आवाज आ रही है। ए, पार्टनर, अरे वायर निकल गया, वायर 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 वायर, मैं कनेक्ट करता हूँ। अरे तार कहाँ कनेक्ट करना है, किसी को पता है क्या? अरे कोई बताए। कुचा, अरे शोर मत मचाइए, नहीं तो ये ऊपर चले जाएंगे। अरे जगमोहन का बेटा कौन है बताना दोस्त? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं दोस्त? ए, डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर को तो आपने खुद ही मरीज बना दिया। अबे डॉक्टर को लेकर आ। कौन सा डॉक्टर लेकर आऊं? कोचा, इसमें कुछ नहीं बचा। मेरे दोस्त ने खुद बोला मुझसे कि वो इसी खान के अंदर है। साहब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कुछ और कहा होगा और आपने कुछ और समझ लिया। वैसे एक बात बताएं भाई, जगमोहन का बेटा कोई पागल नहीं है जो यहाँ आएगा, वो अपने बाप की तलाश में चला गया होगा। तो कहना क्या चाहता है? इतनी सी बात समझ में नहीं आई? आप कंप्यूटर में कार्टून देखिए, उसे ढूंढने में सिर्फ वक्त खराब होगा, वो तो कब का फरार हो चुका होगा। ये कड़प्पा मेरा इलाका है, वो किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तलाश कर ही लूंगा। यह वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ।
चलो। देखो वो उधर है कि नहीं। ठीक है भाई। ए, तो अंदर जाकर देख। चलिए अब मेरे साथ आइए। यहाँ सब ठीक तो है? 250। ओ, है, क्या बात है, ये सिगरेट, ये पत्ते, लड़की का भी इंतजाम कर दूं क्या? तेरी तो ये तरीका है काम का। मुझे पता है वो आ गया है, वो जगमोहन का बेटा। मेरे दोस्त का हाल उसी की वजह से हुआ है। क्या हुआ, घबरा गया क्या? मेरा बेटा आ गया ना, सोच रहा है मुझे कैसे पता चला? अबे तेरी सूरत में जो 12 बजे है, हाथ पर फूल रहे तेरे, पसीने से तर है। ए, कोंडा रेडी डर गया क्योंकि मेरा बेटा आ गया। मैं जानता हूँ कि वो आ गया है, लेकिन लेकिन वो यहाँ से जिंदा बचकर हरगिज वापस नहीं जाएगा। चलो रे निकलो यहाँ से। ए, ले जाओ इसे, ले जाओ। चला चला। कहाँ गया था? चल जा। ये कहाँ से आ रहा है? इधर आ। कहाँ गया था तू? पता कहाँ गया था? अमरूद लेने गया था। यहाँ चारों तरफ 12 किलोमीटर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच तुझे अमरूद कहाँ से मिला बे? सच सच बोल, कहाँ गया था? नहीं बताऊंगा। बता। नहीं बताऊंगा। इतना छोटा और अकड़ दिखाता है। कडप्पा राजा का डर निकल गया है क्या? वो कोड्डा रेड्डी कैमरा लगाकर जगमोहन के बेटे को इसी खार में तलाश कर रहा है। मेरी इज्जत खराब हो रही है। ये लड़का इतनी देर से आया, जब पूछा तो उसने झूठ बोला कि अमरूद लेने गया था। ए, मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जब तक ये नहीं बताएगा कि ये कहां गया था, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। अगर किसी ने इसकी मदद की तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही हाल होगा। ए, ये कोई आम निशान नहीं है, ये कड़प्पा राजा की सरहद है। अगर किसी ने भी इसमें दाखिल होने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ छुप के बैठा है बेटा? भूख बर्दाश्त नहीं होती ना तुझसे? कहाँ है तू? अरे आजा, मैं तुझे बुला रही हूँ, आजा। अरे खाना तैयार है, खा ले। मुन्ना, कहाँ छुप कर बैठा है तू? कब से बुला रही हूँ मुन्ना।
ये कहीं बाहर गया था। कड़प्पा राजा के पूछने पर इसने कुछ नहीं बताया तो उसने गुस्से में सलिया फेंक कर इसे मार दिया। हे, 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 नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है? रुक जा, मेरी बात मान ले। कड़प्पा राजा ने कितनी बार पूछा कहां गया था, इस बारे में बता देना चाहिए था ना। ये तो उस बेचारी की किस्मत है। ए सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, सुन ले, ये राजा की खींची लकीर है। चल जा यहां से, चल चल। ए, कब से कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या? मौत से आप लोगों को डर लगता होगा, मुझे नहीं लगता। जगमोहन काका को कैद करके रखा, मैंने देखा, मैंने नहीं बताया तो मुझे मारना। छोटू को फौरन अस्पताल लेकर जाओ, अस्पताल लेकर जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ, चलो चलो चलो। क्या हुआ बे गेंडे? मैं कैलाश नहीं जो तुझसे मार खा लूंगा। मैं हूं जगमोहन का बेटा विराज। Oh!
जैसा मालिक ने कहा था वैसा ही हुआ। किसी का बेटा हो तो बिल्कुल ऐसा हो। कडप्पा राजा को मारकर तूने अपने वालिद की बात को सच साबित कर दिया है, लेकिन कोंडा रेड्डी से अपने वालिद को कैसे बचाएगा तू? मुझे पता है मेरे वालिद कहाँ हैं, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। आप यहाँ के लोगों को लेकर निकल जाइए। क्यों बे, तू जगमोहन की औलाद है ना, जाकर अपने बाप को ढूंढ ले, वो तुझे यहाँ नहीं मिलने वाला। कोंडा रेड्डी तेरी बस्ती में पहुंच चुके हैं, तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। वो एक वार करेंगे और तीन गिरेंगे। अब तक वहाँ लाशों के ढेर लग चुके होंगे, वहाँ पर वो लोग मरेंगे और यहाँ पर तू। हे पकड़ो उसे, छोड़ना मत। सबको बस में डालो, सबको। ध्यान रहे, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं। क्यों रे, जब उस जगमोहन को बंद किया था तब एक एक के होश उड़ गए थे, अब उसका बेटा आ गया है तो तुम लोगों के पर निकल आए हैं। ले चलो सबको, ले चलो। मालिक हम पे दया कीजिए, मालिक हमारे साथ ऐसा मत कीजिए मालिक। सुनो, यहाँ के सारे बच्चों को बिहार और उड़ीसा भेज दो। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसके बच्चे के हाथ पैर काट कर मुंबई के प्लेटफॉर्म पर भीख मंगवाऊंगा। कोई बचना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पहले सोचना था ना, जगमोहन का बेटा यहाँ आता है तो हमारे आदमियों को मारकर फरार हो जाता है, और फंसता कौन है? तुम लोग ना। मैं कोंडा रेड्डी का आदमी हूँ, समझी तुम? मैं कोंडा रेड्डी के पास सुनूंगा। चलो जाओ, जाओ, चलो चलो। ए, उस तरफ दो बच्चे भाग रहे हैं, जाओ जाओ पकड़ो ने, जाओ पकड़ो, किसी को नहीं छोड़ना। ए, ले जाओ। मैं कोंडा रेड्डी का आदमी हूँ, चलो जल्दी, कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता। जाओ ढूंढो ने, कोई बचना नहीं चाहिए। जाओ बेटा अंदर जाओ, जाओ 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 अंदर बैठ जाओ। हम लोग को डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, तब मैं तुम लोगों को बाहर निकालूंगा। चुप रहना। हाँ ए, जगमोहन का बेटा आ गया है तो क्या हुआ? ये कोंडा रेड्डी का इलाका है, कोंडा रेड्डी का, यहाँ तो उनका सामना नहीं कर सकता। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो, चलो जाओ यहाँ से, ये कोंडा रेड्डी का इलाका है। भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ लिया मैंने इसे। वो वहाँ बस में जगह नहीं थी तो इधर लेकर जा रहा था। ए, इधर आ, इसको बस में लेकर जा, जा 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 लेकर जा। भाई मैंने बच्चों को नहीं छिपाया है। मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ, मैंने नहीं छिपाया भाई, सच कह रहा हूँ मैं, मैंने नहीं छिपाया। ए, सबको बस में लेकर जाओ, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, किसी को भी मत छोड़ो। नहीं बेटे रुक जाओ। भाईजान, 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 वो लोग बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे थे, मैंने बस उनको बचाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं उन्हें छुपा लूंगा, वो बच जाएंगे, लेकिन उनको पता चल गया बेटा। ये सारा खेल मेरी मौत के साथ खत्म कर दे, बस तू किसी तरह उन बच्चों को बचा ले, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे बेटा, उन बच्चों को बचा ले, उन बच्चों को बचा ले। सुनो, एक भी बच्चे को छोड़ना मत। वो इधर है। हाँ,
पकड़ो उसे। तेरा बाप, तू अपने बाप को ढूंढने आया था ना? वाह बेटा, कोंडा रेडी के इलाके में आकर मेरे आदमी कड़प्पा राजा को मार डाला, अब मार मुझे। तूने क्या कहा था? तेरा बेटा आएगा, तेरी आंखों के सामने उसे मार कर घसीट कर ले जाऊंगा और कोचा के कदमों में डाल दूंगा। बेटा, मेरी फिक्र मत कर, इन लोगों को बचाना है, खत्म कर दे इसे। ए, मार दे इसे। ये विराज है, मेरा बेटा विराज, गौर से देख इसे। ए, कोंडा रेड्डी, अगर तू मुझे मारेगा तो मेरा बेटा तुझे मारेगा, अगर मर्द का बच्चा है तो इसे मार। तेरे पास ऐसे कितने आदमी हैं? जितने भी हैं सबको बुला, बुला सबको। जो भी आएगा उसको मौत की नींद सुला दूंगा। तूने कहा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं बच गया। तूने कहा था मैं अपने बाप और उनके लोगों को नहीं बचा सकता, मैंने बचा लिया। तूने कहा था कि कड़प्पा कोंडा रेड्डी का इलाका है, लेकिन वो कोंडा रेड्डी अभी मेरे पैरों के नीचे है। तूने पूछा था मैं मर्द हूं या नहीं, मैं मर्द हूं ना।
लेकिन मेरी नजर में तू एक जिंदा लाश है। अब अगर कोई कोंडा रेडी या कोचा मेरे सामने आए ना तो मैं उसको काट डालूंगा। रुक जाओ। जैसा तूने कहा मेरे इलाके में आकर अपने बाप और उनके लोगों को बचा लिया, वो लोग कडप्पा पार नहीं करेंगे। मैं तेरे दोस्तों को रास्ते में मौत की नींद सुला दूंगा नक्सलवादी। तुझे क्या लगा तू कडप्पा से इतनी आसानी से निकल जाएगा? तेरे बाप को भी नक्सलवादी बनाकर पुलिस स्टेशन में रखा। मैं उसे यहाँ से हर जगह मेल कर चुका हूँ कि नक्सलवादियों का सरगना कैसे फरार हो गया है। तू शायद जानता नहीं है कि पुलिस से फरार कैदी नक्सलवादी होते हैं। नक्सलवादी नक्सलवादी की तहकीकात नहीं, सीधे इनकाउंटर कर देते हैं। तू देख, मेरा आदमी शूटिंग ऑफिसर है। हेलो इंस्पेक्टर। जी सर, बोलिए। तुम किसी की बात मत सुनना, सीधे फायरिंग कर दो। ठीक है सर। उनकी मौत की चीख सुननी है? लेसन, जितने भी लोग हैं सबको खत्म कर दो। चलो जल्दी करो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। जल्दी करो, मेरे वालिद और उन लोगों को सबको मार दो। गाड़ी आ रही है, हम सब तैयार हैं। मत मरवा, गोली चलाने वाले हैं। कोई बचना नहीं चाहिए, सबके सब तैयार हो जाओ। ऊपर गोली मत चलवा। गाड़ी सामने से आ रही है। तुझे लगा मैं ऐसे गिड़गिड़ाऊंगा, तेरे पैरों पर गिरूंगा और सबकी जिंदगी की भीख मांगूंगा? ए कोचा, गाड़ी में मेरे आदमी नहीं, तेरे आदमी है। आपने कहा था कि साहब ने बुलाया है, कहां लेकर जा रहे हो? अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तू इस तरह गिरी हुई हरकत पक्का करेगा, हमें मौत की नींद सुलाएगा, इसलिए मैंने तेरे आदमियों को उस बस में बिठाया है। उस बस में एक बड़ी शख्सियत है, पता है वो कौन है? अरे निकलो यहाँ से! अरे निकलो यहाँ से! कोई बच्चा भागना नहीं चाहिए। ये सुन, सबको पकड़ो। ये सभी अपने आदमी हैं इंस्पेक्टर। बोल कौन है तू? अरे मैं कोंडा रेड्डी का भाई हूँ। हमसे झूठ बोला तू? मैं कोचा का होने वाला दामाद हूँ। तूने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? कोचा की बहन से शादी करेगा? दमाजी, दमाजी। कोचा ने ही तुम्हें गोली मारने का ऑर्डर दिया है। अगर तेरे पास हथियार है तो ये देख, हमारे पास भी है। अगर हम हमला करेंगे तो भगवान भी तुझे बचा नहीं पाएगा। फेंक दो उसे। यहाँ, तुमने मेरे दामाद को मार डाला। यहाँ इन सबको गोली सुला दो, मार दो सबको। ये तेरी नकली पुलिस नहीं है, असली वाली पुलिस है। अगर तू इतना सब सोच सकता है तो जरा सोच मैं कितना और क्या क्या सोच सकता हूँ। उस दिन तेरे लैपटॉप में देखकर मैंने फैसला कर लिया था और मेल से सबको इन्फॉर्म भी कर दिया था, इसलिए तुझे अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर्स खुद आए हैं। ठीक है। अरे संभालिए। पता है
हमने भी पुलिस की कार्रवाई की होती तब भी मुमकिन था। लड़ाई होती है तो उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। इंक्वायरी में सब कुछ संभाल लेंगे, जाकर अपना काम। जी साहब। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। आपके बेटे विराज की मदद से आज इतना बड़ा मुजरिम हमारी गिरफ्त में आया है। आपके बेटे ने अच्छा काम किया है। बहुत खूब, तारीफ के काबिल हो तुम। चलो ऑफिसर्स, तलाशी लो। सरकार से छुपाकर डायमंड को खान से निकालकर भेजने का जो लोग काम करते थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और कानून की मदद करने वाला एक ही शख्स था, जगमोहन का बेटा विराज। विराज को सरकार से शाबाशी मिली और उनके गुनाह माफ कर दिए गए। तेरे जैसी औलाद पाकर आज मेरा सीना चौड़ा हो गया है। ये हकीकत है कि मैं तेरा पाप हूँ, लेकिन असल में तू इन सबके लिए पैदा हुआ है।